हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै कीर्तासिकामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम् हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुत मंद मतीर दयान्वरा तमालि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्त मनपेतमपेत कृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत को प्रारंभ कर रहे थे तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किए। अभी ये घोर कलिजुग आ गया। अभी ये कलिजुग को देख करके ये सौनकादि ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले अभी ये कलिजुग से हमें रक्षा कैसे मिले। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे कृते ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना यही पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो, ये कलयुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर में नहीं पड़ेगा। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग वहीं पर बैठ करके हजार सालों से वहां पर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते
उनको मन में कोई शांति नहीं मिल रहा था, यहाँ तक हृदय तक भी जल गई लेकिन मन में कोई शांति नहीं। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सूत गोस्वामी वहां पर आते हैं। बोले ये सूत दो सूत है, एक उग्र सभा सूत है और एक ही सूत गोस्वामी। कहते ये उग्र सभा सूत है, एक दिन भगवत इच्छा से आए तो सौनकादि ऋषि लोग प्रसन्न होकर के उनको आसन दे करके बैठाए। बोले हे सूत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास को अपने सब कुछ अध्ययन किया है, अभी ये घोर कलयुग है, ये कलयुग में बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्रुता। प्राय करके कलयुग का परमायु बहुत कम है, सत्ययुग में एक साल तक जिंदा रहते थे। जब सत्य त्रेता युग आ गया फिर 10,000 साल हो गया, फिर द्वापर युग आ गया तो 1,000 साल हो गया, और कलयुग आ गया तो 100 साल है। लेकिन अभी कोई 100 साल तक युग रहते नहीं, क्योंकि हर चीज में हाइब्रिड से हर चीज बनती है, कोई चीज आपको सुविधा मिलेगी नहीं। लिखा होगा प्योर घी है, लेकिन अगर प्योर घी कहीं अपने घर में बना हो कम से कम 2,200 रुपया से कम नहीं पड़ेगा प्योर घी अगर बनाने के लिए, तब फिर ये घी 1,000 रुपया 500 रुपया में कहां से आ गई, ये सब के सब मिलावट चीज है। इसलिए कलयुग में परमायु धीरे धीरे कम हो जाएगा, किसी समय में भी कलयुग में मर सकता है। फिर कलयुग में मंदा सुमंद मतयो, लोगों का जो मन है वो स्वाभाविक रूप में मंद मन है, गंदी चीज में स्वाभाविक रूप में जाता है। फिर ये टीवी आ गया, स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ये तो सबका बुद्धि को अपने आप ही बिगाड़ दिया है। फिर कलयुग में बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, कलयुग का जो जीव है बड़ा मंदभाग्य है इनकी। फिर जुभद्रुता, जुभद्रुता मतलब क्या है, अगर किसी तरह से माताएं अगर किसी सत्संग में आकर के थोड़ी सी ज्ञान मिले, थोड़ी सी भजन करना, पहले में कंटी तिलक लगाए तो पति लोग क्या बोलेंगे, बोले कौन सी बाबा के चक्कर में पड़ गए तू हैं, इतने बड़े बड़े तिलक गले में कंटी इस दिन भर के वाला क्या जन करती। अगर भाई लोग अगर किस तरह से सत्संग से आकर के भजन किए, पत्नियां क्या बोलेगी, बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते। अगर बच्चे लोग अगर भक्ति में आए, बोले ये कोई उम्र है भजन करने का, अभी से इस सब गला में कंठी माला तिलक तुमने क्या लगा दी, ये कोई उम्र है, लेकिन बीड़ी पिए सिगरेट फूके शराब पिए बोले वेरी गुड, ये तुम्हारी उम्र है। लेकिन भजन करने के लिए जाए तो इतने उपद्रव है कलयुग में, इसलिए बोले आप कृपा करके बताओ कलयुग में जीव का कल्याण कैसे हुई। देखो यहाँ पर दूसरी शिक्षा है, ये प्रश्न कौन किसको कर रहे हैं, बोले ये सौनक आदि ऋषि लोग सूत गोस्वामी को कर रहे हैं। बोले सूत मतलब क्या है, बोले जो रथ को चलाते हैं वो सूत है, वो छोटे जाति के हैं। लेकिन प्रश्न कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण लोग प्रश्न कर रहे हैं। बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले जात पात कुछ ना कोई और हरि का भजा सो, बोले हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भजन में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए हमारी एक प्रेमानंद ठाकुर मुझे बड़े सुंदर एक भजन गाते हैं, वो कहते हैं बोले मान की करे भरना खोला, ए मान की करे भरना खोला, जय को लेके जना मना केवल भक्ति मोला, जय को लेके जना मना केवल भगवती मोला, आ कपि को ले धरना
सवेरे उठ करके मेरे नाम को ले, मेरे मुंह देख ले, तीन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन देखो राम की भक्ति की महिमा देखो, मैं राम का नाम भक्ति करता हूँ, घर घर में हनुमान जी को दिया, सवेरे उठे हनुमान जी को दर्शन करते। कहते राक्षस कुल में विभीषण कौन सा जात, राक्षस कुल में। लेकिन जब भगवान के राम दरबार लगता है, भगवान राम को बराबर आसन देते हैं। भूहक चंडाल, चंडाल स्कूल में जन्म हुए, लेकिन भगवान इनका अपना मित्र है। सुग्रीव वही बंदर कुल में जन्म हुए हैं, भगवान के मित्र है। प्रहलाद वही राक्षस कुल में जन्म हुए हैं, लेकिन देखो भगवान कितने बड़े भक्त, श्री प्रहलाद महाराज जो खंभे में ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। जब उनको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे हरि कहाँ है, बोले पिताजी ये तो बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ, बोले क्या खंभे में, बोले मेरे को तो दिख रहा है। वो एक मुष्टिका था तुम्हारे तो खंभे फाड़ करके नरसिंह देव प्रकट हो गए, बोले नरसिंह भगवान की। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, तो उन्होंने बोले उनको उन्होंने छह प्रश्न की। अब ये छह प्रश्न को आधार करके ये पूरी ये श्रीमद् भागवत है। अभी मैं ये छह प्रश्न किया मैं बताऊंगा, कल फिर आपसे सुनूं, ठीक है? देखूंगा मैं कौन बोल पाता हूँ। मैंने कहा था कि पेन काफी लेकर कॉपी लेकर ना, कोई खाली आदेश आते कोई लाते ही नहीं, कथा सुनोगे तो हम तो प्रचार करोगे ना। हाँ देखो पहला प्रश्न है, देखो एक एक प्रश्न एक एक अरब का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे दूंगी। देखना हम जीवन में जो कुछ करते हैं किसीलिए करते हैं, शांति के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लीजिएगा, सामने एक समस्या है, सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए शांति मिलेगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो हल हुई नहीं, दूसरे समस्या सामने खड़ी है। पहले सोचते हैं किसी तरह से ये दो समस्या खत्म हो जाए फिर शांति मिलेगी, देखना दो समस्या तो गई नहीं, तीसरी समस्या सामने खड़ी। जैसे समुद्र में लहरी आती है ना, एक बाद में एक, एक बाद में आती रहे। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरी प्रश्न है, देखो सबके सब जुड़ा हुआ है, बोले शांति कब मिलेगा, बोले जब तक जी भगवान की भजन नहीं कर ले, भले ही दुनिया की जो कुछ इकट्ठे कर लो शांति मिलने वाला नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति मिली नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा पैसा होने पर सुख मिलेगा, रावण का सोने की लटका थी, अच्छी किसी छोरी से शादी हो जाएगी मिलेगी, मंदोदरी जैसे पत्नी एक नहीं कितने हजार पत्नी, आज्ञाकारी बेटा हो जाएगा शांति मिलेगी, मेघनाथ जैसे बेटा, एक लाख जिसके बेटा सवा लाख की नाती जिसकी। लेकिन वो क्या कहते हैं शंकर जी को, कदा सुखी भगा दिया वे भोले बाबा, जीवन में शांति नहीं, जीवन में सुख नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी वस्तु हमें शांति सुख देने वाले नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय असा सत्व, ये दुख का घर, हर चीज नश्वर है। जो अनित्य नश्वर वस्तु वो कभी शाश्वत वस्तु हमें दे नहीं सकता। इसलिए शांति कब मिलेगी, जब भगवान की भजन करेंगे। इसलिए दूसरी जो प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ,
लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण का तीन धाम है, एक है द्वारका, एक मथुरा और एक वृंदावन। ये तीनों कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कभी राम रूप में आए, रावण को बध किया, कभी उन्होंने मत्स्य अवतार में आए, वेद को धारण किया, कभी कुर्मा अवतार में मंदराचल पर्वत को धारण किया, ब्रह्मा अवतार में पृथ्वी को उन्होंने उत्तल की, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को वध किए। इसलिए केवल कृष्ण कथा नहीं, उनकी जितने अवतार हैं उनके अवतार की कथा भी सुना। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस्मा, ऐसे एक कृष्ण सत करोड़ गोपियों के साथ में प्रभु रास की, हर गोपियां देख रही थी हमारे पास में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण ने 7 साल का बालक 7 क्रोश गिरिराज और 7 दिन तक उन्होंने कनिष्ठ मूल्य में प्रभु धारण कर दिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, और उनके नाम की अजान लिए से व्यक्ति ही वो अपना बेटे को नारायण नाम से पुकारा, इतने में विष्णुदूत आकर के रक्षा किया। इसलिए उनकी अद्भुत जस की कथा सुना। छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, अब ये कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया है? कहते कहाँ पर आश्रय लिया, बोलिए श्रीमद भागवत ग्रंथ रूप में ही। ठाकुर जी कलयुग में धर्म श्रीमद भागवत ग्रंथ में। जब उन्होंने 6 प्रश्न की, इसको सुन करके सुतो गोस्वामी का रोम रोम खिल उठा। बोले बाप, बोले इति संप्रश्न स्निष्टो विप्राणाम रोम हर्षय। इनकी रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले ये जितने प्रश्न हैं ये सबके सब भगवत संबंधी प्रश्न हैं, जिसमें हरि चर्चा को छोड़ करके कोई दुनियादारी चर्चा इसमें है ही नहीं। इसलिए शिक्षा देते हैं, जब किसी संतों को पास में जाओ ना, उनको अगर प्रसन्न करना चाहते हो, ये दुनियादारी की कोई बात मत करो। हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, बेटा का ऐसे हो गया दुनिया में, ये दुनियादारी बात मत करो। क्यों? आप देख लो, संसार की कोई भी बात करोगे ना, उसका परिणाम दुख है। बैठ करके आपस आपस में चर्चा करो, कैसे हो, ऊपर तो बोलेंगे ठीक ठाक, अंदर में पूछो सब दुखी दुखी है। लेकिन भगवान की कथा सुनो, आनंद ही आनंद, ठाकुर को कथा में आनंद ही आनंद है। इसलिए यहाँ पर सुन करके प्रश्न को बड़े खुश हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के बोले, पहले मैं अपना गुरु जी की चरणा की वंदना करके फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले बंदाओ गोरो पद पदो मा प्रयागा, बंदाओ गोरो पद पदो मा प्रयागा, बंदाओ गोरो पद पदो मा वंदना की। बोले क्यों? कहना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाभ पाओ, बोलो गुरु बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। अगर गोविंद अगर गुरु खड़े हुए तो सबसे पहले किसकी चरण की पूजा करनी चाहिए? गुरु जी की चरण में। क्यों? ठाकुर का चरण कौन दिखाने वाले? श्री गुरुदेव दिखाने वाले। बोले मेरे गुरु जी कौन? बोले मेरे गुरु जी साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी। मातृ गर्भ में बच्चा स्वाभाविक रूप में 9 महीना रहते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी तो 16 साल तक रहे। वो गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। व्यास देव जी ने कहा,
बेटा तुम कौन हो, माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, बेटा निकल करके आ जा। बोले पिताजी ने बढ़िया में खुश हूँ यहाँ में। बोले क्यों? बोले भजन हो रहा है। यहाँ शिक्षा देते हैं हमें कहाँ पर रहने चाहिए। बोले जहाँ पर भगवान की भजन हो, ठाकुर हो, वही स्थान ही बढ़िया स्थान है। बोले यहाँ पर बढ़िया से भजन हो रहा है। बोले संसार में क्यों आना नहीं चाहते हो? बोले पिताजी ये संसार माया के संसार है। हर बच्चा मातृ गर्भ में 7 महीना होने पर 1000 सालों की याद लेके आता है। पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे पाप कर्म करके ये नरक में आना पड़ा। गर्भ नहीं, ये नरक वास है। इसलिए भगवान को पुकारना है, प्रभु मेरे को गर्भ से निकाल दो। भगवान कहते क्या करोगे? बोले एक बार निकाल दोगे ना, कभी भी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं। दिन भर उठते बैठते तेरे भजन करूंगा, यही हमने प्रतिज्ञा करके आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को, उठने लगे कपास। आए तो भजन के लिए, जो काम के लिए आए उसको तो एक साइड कर दिया, और जो नहीं करने के लिए आए ना उसमें ही दिन भर लगे हुए, उसमें ही लगे हुए। इसलिए बोलिए माया को मैं हटा देता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते हो। बोले कौन हटा सकता है? बोले ये मायापति ही हटा सकता है। तब उन्हें कृष्ण को बुलाए, कृष्ण आकर के माया को हटाते श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन वो जन्म होते ही बोले जम प्रवजन तम अनुपीत अपीत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। लेकिन सुखदेव जन्म होते ही जिनकी अभी उपनयन संस्कार नहीं हुई और वो सन्यासी बन करके जा रहे हैं, व्यास देव हा पिता हा पुत्र करते करते पीछे चल रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र। मतलब कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, झूठा संसार है। आज पिता कल पुत्र है। इसलिए कहां से आवाज आ रही थी? ये लता पताओं से आवाज आ रही थी। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं मेरे जो गुरुदेव है ये सर्वत्र विद्यमान मेरे गुरुदेव। जब मेरे गुरुदेव सभी को अंदर में विद्यमान है, गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। ये सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न की है ये प्रश्न का जैसे मैं उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी की प्रणाम करते हुए प्रश्न का उत्तर दिया। अब लोग बताओ पहला प्रश्न क्या था? अरे जोर से बोला, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये कर्म रूपिया की प्रश्न है। ये भागवत कहता है शांति कैसे मिलेगी? बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रथक्ष जय आहय तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीदति। बोले आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगी। बोले कब शांति मिले? बोले संप्रसीदति। संप्रसीदति मतलब क्या है? देखो जीवन में थोड़ी समय के लिए कभी सुख तो आती है, इतना थोड़ी देर बाद में सुख ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा को ऐसे कब पूर्ण शांति मिलेगी? जब शांति मिले तो शांति कभी जाएगी, हर समय में शांति सुख में रहे। बोले कब? बोले सबई पुंसांग परो धर्म। यदि जो जीव है पुरुष है कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान की संतान है। इसलिए कहना तुम्हें माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्यां द्रविणा तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान हमारे पिता माता भाई भगवान है। जब भगवान है तो हम भगवान की औलाद हैं। जब भगवान की संतान फिर हमें क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए। यही हमारी धर्म है और कोई हमारी धर्म नहीं। आप बोलोगे हमारे जो बेटा बेटी नाती पति पति पुत्र है, बोले उनको पर धर्म तुम्हारे नहीं है, कर्तव्य है।
ये कर्तव्य है। जैसे देखो, जैसे कि दिया जलाओ, उसका लोग इधर जाएगी, ऊपर जाएगा। और ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि मूल जो ये सूरज है, कोई एक पत्थर ऊपर फेंको, नहीं तो मिट्टी का टुकड़ा किधर आएगी? बोलो किधर आएगी? नीचे। बोले क्यों? वो उसका अंश है। पानी जैसे यहाँ पर डालो, पानी किधर जाएगी? नीचे जाएगी, नाली में, नदी में, फिर समुद्र में मिलेगी। क्यों? वो आया समुद्र से। इसलिए स्वाभाविक रूप में देखना, जीवन में हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। बताओ संसार में कौन दुख चाहता है? कोई चाहता है दुख? क्या शांति सुख चाहते हैं। इसलिए हम जिनकी अंश है वो सचिदानंद रूपाए, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है। हम उसकी अंश होने का नाते उनकी सारे गुण हमारे अंदर में विद्यमान है। इसलिए हर समय हम शांति सुख चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? बोले सभी पुरुषांग परो धर्म, जीव मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले जब तो भक्ति जो इंद्रिय से अतीत जो भगवान है उनको प्रेम करना, भक्ति करना ही जीव का धर्म। आप बोलेंगे हम तो उनकी भक्ति कर ही रहे हैं। बताओ कौन उनकी भक्ति नहीं करते हैं? सभी करते हैं किसी ना किसी तरह से। अरे शांति क्यों नहीं मिलती है? बोले जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोले दो तरह से प्रेम करनी चाहिए। पहला नंबर बताया, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो, निष्काम भक्ति हो। लेकिन हमारी भक्ति कैसे? देखो 10 रुपया की कोई भाव नहीं, तो माला की माला लेकर के ठाकुर के चरण में दिया, लेकिन कम से कम एक पर्ची भी रख लेंगे तो कम से कम 10 करोड़ लोगे। ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया के फल फूल चढ़ा रहा हूँ, हमारे मकान बना दो, हमारी दुकान बना दो, हमारे घर में आकर के सारे काम धंधा कर दो। बोले भगवान आप आकर नौकर बन करके हमारी दुनियादारी का सारे काम कर दो। ये भक्ति नहीं हो गई, ये भक्ति, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कहते निष्काम होनी चाहिए। जैसे श्री हनुमंत लाल जी क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान राम बोले बर मांगो, हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले बार बार बर मांगो, हरसी देहु श्री रंग पता सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। कहते प्रभु अहि की भक्ति, आपकी चरण की हमें सेवा दो। इसलिए भक्ति निष्काम होनी चाहिए। और दूसरा कैसे? बोले निरंतर जब उदाहरण दिया, जैसे ये शहद कैसे डालो ना, देखना उसमें जो धागा बन जाती है। इसलिए भक्ति कैसे होनी चाहिए? बोले निरंतर जब 24 घंटा में 24 घंटा भक्ति होनी चाहिए। बीच में कुठरी नहीं चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संन्यासी दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, हमारी बीवी बच्चे घर दुकान मकान सारे काम करता, हम तो थोड़ी साधु संत है ही नहीं। देखो भागवत में जितने कथाओं को सुन रहे हैं ना, ये कोई त्यागी संतों का चरित्र इसमें नहीं है। आप बताओ परीक्षित महाराज गृहस्थ थे, अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, भरत महाराज गृहस्थ थे, ये गोपियां घर में ही रहती थी, कोई संसार त्याग कर कोई साधु नहीं बने। ऐसे कपड़ा थोड़ी बैठ लिए, वो सब गृहस्थ का कथा हो रही है सबके सब। मतलब घर में रह करके भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। अपना घर को भगवान की मंदिर मान, जो पैसा कमाते हो समझो ठाकुर जी के लिए कमा रहे हैं, जो खाना भोजन बनाते हो ठाकुर को भोग लगेगा, घर में झाड़ू लगा तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चे को थपथप लगा कर सुनाओ तो जैसे गोपियां घर में रहती थी, इधर बच्चों को थपथप लगाए करके सुलाती थी, लेकिन मुंह में क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवे ती, गोविंद दामो दर माधवे ती, गोविंद दामो दर माधवे ती, गोविंद दामो दर माधवे ती। हाथ में कान और मुंह में ठाकुर जी की, अरे बोलो मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस हो गया। विद्या ये बात समझो, हम घर में रह रहे साधु नहीं बन सकते। नहीं देखो कहीं कहीं पता है यार गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म आश्रम है।
तीनों आश्रम को गृहस्थ पालना करता है। तीन आश्रम किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी। जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासी कौन पालना करता है? गृहस्थ। गृहस्थ ही तीनों आश्रमों को पालना करते हैं। इसलिए घर में रहते हुए हर काम ठाकुर के लिए हम करने चाहिए, बस यही भक्ति। और क्या भक्ति? कोई बड़ी बार कठिन चीज थोड़ी है। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताओ। तो यहाँ पर कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भय जोगिनाम नृप निर्मित हरे नामानुकीर्तनम्। बोले कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखा, बस हरि का नाम कीर्तन करो। क्योंकि पता था कलयुग का जीव इतने कठिन साधन भजन नहीं कर सकते। सत्ययुग में सुनो कि 10-10 हजार, 60-60 हजार साल तपस्या की। वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं? उन्होंने इतने भजन की शैली में दिमाग लग गया, वाल्मीकि तभी नाम पड़ा है। हिरण्यकश्यप ने एक अंगूठ को पर खड़े होकर के ब्रह्मण देवाय बोल करके उन्होंने तपस्या 60 हजार साल तक की बिना खाए पिए। लेकिन कलयुग में 15 दिन में एक एकादशी व्रत आती है। अगर कोई निर्जला व्रत कर लिया ना, अगर उसको कोई काम करने के लिए बोल आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी, 15 दिन में एक दिन भी कोई भूखे नहीं रह सकते। ये कलयुग का जीव कितने दुर्दशा है। इसलिए तृतीया युग में था यज्ञ, रोज हवन सामग्री लाओ, दूध दही पंचामृत लाओ। भैया इतना पैसा कहां से लाएंगे कलयुग में? द्वापर युग में था अर्चन सेवा पूजा थी, पंचामृत लाओ, धूप दीप फूल फल कहां से लाएंगे कलयुग में? पहले आप सुने होंगे एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार खाता था। अभी पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाता है, बहू भी कमाती है, बेटा भी कमाते, तभी घर में पूरी नहीं पड़ता। इसलिए कहां से पैसा लाएंगे? इसलिए भगवान बोले, भैया कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, बस केवल ये वोट हिलते ही इधर उधर की बात करते हैं। इधर उधर की बात नहीं करके क्या करो? बोले कलयुग के बलना माता, कलयुग के बलना माता, कलयुग के बलना माता, कलयुग के कलयुग में और कोई साधन है नहीं। सोचे कोई तपस्या करे, ध्यान करे, जाग यज्ञ करे, बोले नहीं। इसलिए यहाँ पर तीन बार बोले हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। दूसरे लाइन में नहीं, ये तीन बार क्यों बोले? बोले किसी बात को अगर 3 बार बोलना पक्की हो जाता है। अरे हम कलयुग जीव है ना, अगर एक बार बोलो हरिनाम करो तभी नहीं करेंगे, तभी इधर उधर हम मुंह मारेंगे। इसलिए बोले भैया कलयुग में प्रभु का नाम के सिवाय कोई फल है ही नहीं। इसलिए बोले कौन सा नाम करनी चाहिए? बोले जो
कलमस को पाप को खत्म करने वाले, बोले ना तो परत उपाय, इसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है। इसलिए कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र को ही जप करनी चाहिए। बोले क्यों, कारण किया, तो उन्हें छह कारण के श्लोक में बताया। बोले एतत् निर्विद्यमानानां, आप बोलोगे भैया जो संसार में हम पड़े हुए हैं बद्ध जी, तब तो भगवान के भजन कर रहे। बोले नहीं, आप देखो शंकर जी को देखो, वो भी बच्चे मुख राम नाम गान त्रिपुरा। माता पार्वती को देखो, एक हाथ में माला है। इसलिए बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जयी प्रिय संग भवानी। गोस्वामी जी धरे शंकर जी पार्वती को इतना प्यारी क्यों? बोले कारण है, हर समय प्रभु के नाम जप करती है। हनुमान जी को देखो, मुक्त महापुरुष है ना। बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, हनुमान के ही नाम जप करते हैं। इसलिए जितने 33 ब्रह्मा जी की चार हाथ देखोगे, एक हाथ में माला देखोगे। माँ सरस्वती की चार हाथ में एक हाथ में माला है। इसलिए एक भजन है ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी यशोदा जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, कौन है? आइए चीज को समझो, जपेगा कोई दिल वाला मतलब क्या? जिसका दिल मजबूत है वही जप कर सकता है, जिसका दिल कमजोर है ना चुगली बदनाम कर सकती, लेकिन प्रभु का नाम नहीं जप करेगा। बोले भाई भगवान की भजन करेंगे सब तो, बोले क्या तुम बड़े भक्तानी बन गई हो? कभी कभी ऐसे बोलते ना, भगवान की भजन करे तो देखो कितना लोग पीछे, जब मीरा ने भजन की सारा दुनिया पीछे पड़ गई, उसने सब नणंद पति देवर जेठ सब पीछे पड़ गए, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी, दुनिया छोड़ दी लेकिन भगवान को नहीं छोड़ी। बताओ दुनिया में किसकी नाम हो रही है? मीरा की जय जयकार हो रही है। इसलिए जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत है ना वही हरि का नाम ले सकता है, कमजोरी वाला नहीं लेगा। कमजोरी वाला तो इधर उधर बुरी चर्चा या चुगली कर सकते हैं, हैं? इसलिए भगवान के नाम लेने के लिए लाज लज्जा भय तीन था लेना है। भजन करने के लिए भैया शर्म नहीं करना पड़ेगा, है शर्म करने पर काम नहीं चलेगी, ठीक है? बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम्, अगर कोई संसार में अभय पाना चाहते हैं वो हरि का नाम ले। बोले जोगी नाम निर्विनितम, जितने जोगी मुनि शास्त्र सबके सब एक ही बात बताए, भगवान के नाम ही कलयुग में एक आश्रय है। इच्छता अकुत भयम जोगी नाम निर्विनितम, हरे नामान कीर्तनम, कलयुग में हरि का नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन और कोई साधन नहीं।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन, श्री राधा राधा भावी बाधा कट जाए, कोटि जन्म दिया आपे दा श्री राधा नाम सजा, राधा श्यामा प्यारी को राधे राधे को हमारी श्यामा प्यारी को इन श्री सो मीठो धाम हमारी
आप लोग भी अच्छे तरह से समझो। कभी कभी हम लोग बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं, बोले किस चीज की, कहते कोई बोलता है वो भगवान तो निराकार,
उसका तो कोई का आकार है, कोई बोलता है वो तो परमात्मा रूप में उनके हृदय में ध्यान करो। फिर कोई कहीं कहता है देखो हमारे जैसे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, हमारे कृष्ण है, भगवान राम है, नारायण है। अभी लोग ऐसे ऐसे किसी भी चीज में उलझ जाते जाते हैं, उनको पता नहीं चलता भैया पूजा करते किसको पूजा करते। यहाँ पर सुतो गोस्वामी बहुत अच्छे उदाहरण देकर समझाए, आप लोग भी ये चीज को समझ लो अच्छे तरह से दिमाग में बैठा हो। बोले जैसे ये आम का सीजन है, दशहरा और चौसा बड़ा सुंदर मार्केट में आम आया। एक राजा ने कहा एक सेवक को देख करके आओ तो हमने सुना बड़ा सुंदर आम मार्केट में आया है। वो गया और दूर से देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के आम बिक रहा है। वापस गया बोले महाराज सचमुच से बड़ा सुंदर आम है। राजा ने दूसरे सेवक को भेजा भैया तू देख कर क्या। दूसरा सेवक गया देखा आम को और पास में गया जब स्पर्श किया देखा नरम है, सुंघा तो बड़ा सुंदर खुशबू है। वो वापस आया, राजा ने पूछा आम तुमने कैसे देखा। बोले महाराज बड़ा सुंदर आम पक्का हुआ, बड़ी खुशबूदार आम है। राजा तीसरे सेवक को भेजा भैया तुम देख कर क्या। तीसरा व्यक्ति गया देखा उसको स्पर्श किया सुंघा, बोले 5 किलो आम। 5 किलो आम लाए पानी में भिगवाया और उसको अमनिया करके ठाकुर को तुलसी पत्ता दे करके भोग लगाया। जब उसने आम खाया देखा बड़ा मीठा आम है। महाराज ने पूछा आम कैसे हैं। बोले महाराज बड़ा मीठा आम है। देखो ये तीनों को आम मिला कि नहीं, तीनों को मिला है ना। हाँ, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। लेकिन इन तीनों को ये आम मिलने पर भी ये आम सबको बराबर नहीं मिला है। पहला व्यक्ति को तो मिला है लेकिन वो केवल दूर से देखा है आम है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान को कहते हैं भैया भगवान कैसे, बोले तो निराकार है, उसका तो कोई आकार है ही नहीं, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। बोले ये लोग कौन है, इनको बताइए ज्ञानी है जो केवल भगवान को एक ज्योति रूप में दर्शन करता है, इतना और कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति देखा भी स्पर्श भी किया सुना, वो भी वापस आ गया। बोले ये कौन है, बोले ये योगी है जो अपना हृदय से एक अंगुष्ठ परिमाण एक पुरुष को दर्शन करता है और हृदय में उसी आनंद में डूबा रहता है, कभी ये योगी है। बोले जो तीसरा व्यक्ति गया देखा भी स्पर्श भी किया ले करके भी आया और ठाकुर जी को भोग लगाया और उसने खाया, बड़ा मीठा आम है, बड़ा मीठा आम है। बोले ये कौन है, कहते ये भक्त है जो भगवान को दर्शन भी करता है। जैसे हनुमान जी अगर प्रभु राम की जरूरत पड़े तो क्या कहते हैं, कंधे में बैठा करके प्रभु ले चलते हैं। अगर प्रभु राम कहीं बैठे हुए होते तो हनुमान जी क्या करते हैं, उनको पूछ से उनको छतरी से उनको छाया कर देते हैं। जब भगवान शयन करते हैं हनुमान जी क्या करते हैं, ठाकुर जी की जन्म की सेवा करते हैं। इसलिए कहते भैया तीनों को जब जब मिले हैं तीनों को, लेकिन बराबर नहीं मिला, लेकिन पूर्ण रूप में मिला तो किसको मिला, ठाकुर जी तीसरे व्यक्ति को। इसलिए ये भक्त हैं। इसलिए आप कहीं सुने नहीं होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहता योगी का भगवान, नहीं कहते किसके भगवान है, बोलो किसके भगवान है, भक्त के भगवान है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए यहाँ सुतो गोस्वामी कहते हैं ये पूर्ण रूप में एक भक्तों को ही भगवान मिलते हैं, दूसरों को मिलने पर भी आंशिक रूप में पूर्ण रूप में ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। जैसे देखो सूरज है, हमें दूर से क्या दिखता है, केवल एक प्रकाश है इतना, लेकिन आप सूर्य को पास में जाओ उनका नौ घोड़ा है, सूर्य घोड़े के ऊपर बैठते हैं, उनका पुत्र परिवार है उनकी। लेकिन हमें दूर से क्या दिखता है, केवल एक ज्योति स्वरूप दिखता है, क्योंकि हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं। इसलिए हमारे वेद कहता है ज्योति अभ्यंतर अध्ये अतुल श्याम सुंदर रूपम। इसलिए भगवान कृष्ण इतने प्रकाश से है, इतने प्रकाश से है, केवल दूर से ज्ञानी लोग केवल एक ज्योति रूप में दर्शन करते हैं और उसको आगे उनको कुछ नहीं मिलता।
इसलिए सूरदास जी एक बड़े सुंदर भजन बोले, कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सूरदास जी कितने उदाहरण दिए, कितने उदाहरण दिए सूरदास जी। कहां भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में आए, बोले देखो पांडवों को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, केवल उनको 5 गांव दे दो, पूरा राज्य को तुम भोग कर। दुर्योधन ने क्या बोले, बोले बगैर युद्ध के सुई के नोक की बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो 5 गांव की बात करते हो। अरे पहले ठाकुर जी के लिए 56 भोग छतरी से व्यंजन बना कर रखा था, बोले ग्वाला उसको खिला पिला कर खुश कर दो था, लेकिन ठाकुर जी ग्रहण किए। ठाकुर जी विदुर जी के घर में गए और केले का छिलका भी ठाकुर जी खाए, केले की छिलका ठाकुर जी खाए भगवान जी। इसलिए बोले प्रेम की बस होकर के भगवान क्या किए, बोले सबरी के झूठे बैर को खाए, बोले बहु भी का स्वाद बताए, बोले सबरी तेरे झूठे बैर में जो स्वाद आया है, मेरे को बैकुंठ में लक्ष्मी कितना भोजन कराती, वो आनंद नहीं आता जो आनंद तेरे झूठे बैर में मेरे को आया। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर किया, केवल अर्जुन के रथ भांगे, ठाकुर जी स्वयं सारथी बन गए। ठाकुर जी स्वयं सारथी बन गए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया, आप लोग ध्यान से सुना। बोले वन गए हर नाई, देखो ठाकुर जी भक्त के लिए क्या करते हैं। बोले दुर्योधन का पास में एक नाई था, उसका रोज था दुर्योधन को तेल मालिश करना और उसको खौरो काम करके रोज स्नान कराना। लेकिन उधर बड़ा संत से भी था, कोई अगर घर में संत आ गई ना, जरूर संतों की सेवा करता था। और जिस समय में दुर्योधन की सेवा करने के लिए जाएगा, उसी समय में घर में कुछ संत आ गए। अभी उसने तो दुविधा में पड़ गया, अभी संत सेवा करूँ ना या दुर्योधन की सेवा करूँ। बोले ये दुर्योधन का तो रोज सेवा करता हूँ, लेकिन संतों सहज में नहीं मिलते हैं, और संतों का हृदय में भगवान की निवास। अगर संत खुश हो गए तो ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं। बोले ये दुर्योधन दुष्ट सेवा तो करता हूँ, आज संत सेवा करता हूँ। बड़े सुंदर उन्होंने भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया, संतों की सेवा की। एक तरह ठाकुर तो चिंता में पड़ गए, बोले ये दुर्योधन तो दुष्ट है, हो सकता है मेरे भक्तों को नौकरी से निकाल सकता है। कृष्ण स्वयं ये हर नाई का रूप धारण करके दुर्योधन के पास में पहुंच गए और उसको शरीर में तेल मालिश करना शुरू कर दिया। कौन तेल मालिश कर रहे हैं, भगवान कृष्ण। दुर्योधन का ए तेरे हाथ में भी कोई जादू है ना किया, तू शरीर को स्पर्श करते मेरे रोम रोम खिल रहा है और हृदय प्रेम में गदगद हो रहा है, आंखों से आंसू जरी बहने लग गया। बोले तेरे हाथ में कोई जादू है ना किया, वो इतना खुश हो गया सेवा से, बोले जीवन में इतने आनंद कभी नहीं मिला। गले में इसकी एक सोने की हार निकाल कर उसने वो नाच दे दिया, किसको दे दिया, कृष्ण को पहना दिया, उनको पता नहीं ये कृष्ण। इतने में ठाकुर जी चले गए, हर नाई देर में संतों की सेवा करते हुए जब पहुंचा, सोचा हो सकता है कोई दंड मेरे को मिल सकता है, क्यों टाइम से नहीं आया। हर नाई ने कहा आज मेरी देर हो गई, घर में कुछ संत लोग आए थे, सेवा करते करते देर हो गई। बोले क्यों, आज तुमने मेरी इतने सेवा की, जीवन में कभी इतना आनंद नहीं आया आज जितने आनंद आया है। लेकिन उन्होंने सोने की हार तो पहनाया ठाकुर जी की गला में, लेकिन वो हार अपने आप आ गया हर नाई के गले में।
लेकिन उसको पता नहीं गले में सोने की हार है। उसने कहा नहीं मैं टाइम से नहीं आ पाया। दुर्योधन को तो क्रोध आ गया, बोले ओ आज इतने कीमती हार दे दिया इसलिए तू एंट रहे हो। इतने में गले में जो हार पकड़ कर छीन लिया। जब छीन लिया हरनाय ने सोचा मेरे गले में सोने की हार थी नहीं, आया कहां से। वो तो भक्त है ना, वो समझ गए आज मैंने संतों की सेवा की है इसलिए ठाकुर स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए आज ये दुष्ट की सेवा की है। आज से तेरी अगर नौकरी नहीं करूंगा, उसने नौकरी को छोड़ दिया। इसलिए देखो भगवान कितने भक्तों का प्रेम में वशीभूत है। स्वयं ठाकुर जी भक्त के लिए ठाकुर जी ये दुर्योधन की चरण की सेवा ठाकुर को करना पड़ा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। अगर भगवान निराकार तो होते ही सेवा हो सकती थी, निराकार ही कर सकता है, उसको तो आकार है ही नहीं। तो उसकी हृदय में तो भक्ति की वात्सल्यता है ही नहीं, ये आएगी कहाँ। हाँ हमारे कृष्ण के अंदर में ये चीज, भगवान राम के अंदर में और भगवान नारायण के अंदर में ये चीज। क्यों? भगवान साकार, भगवान निराकार नहीं है। इसलिए कहते ऐसे जो भगवान है, बोले परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले ऐसे जो भगवान ये युग युग में अवतीर्ण होकर के क्या करते हैं, संतों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 24 अवतार की कथा है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है, ठाकुर जी चतुष्ण रूप में ठाकुर जी आए और आ करके उन्होंने ब्रह्मचर्य को पालन किए। भगवान का जो दूसरा अवतार है, ठाकुर जी वराह रूप में आए। देखो बोले सांप को हमें 3 काम 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? बोले क्या क्या 4 काम नहीं करनी चाहिए? बोले पहला नंबर है सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सांप ठीक शाम का समय में सोएगा ना, कहते उसको घर में कभी धन नहीं आएगा, वो निर्धन जिंदगी में बना देगा। दूसरी काम है उस समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ाई करेगा उस समय सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना बच्चा तो घर में पढ़ाई ठीक से करता है लेकिन जब पेपर देने जाता है सब भूल जाता है। इसलिए शाम का समय में पढ़नी नहीं चाहिए। पढ़ो गीता रामायण भागवत को पढ़ो, जो बच्चों का जो पढ़ाई ग्रंथ को नहीं पढ़नी चाहिए। तीसरा काम है भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भोजन करेगा उसको जिंदगी में पेट का रोग कभी नहीं जाएगा, जिंदगी भर पेट रोग की भोग करेगा। जो चौथा काम है सहवास, पति पत्नी एक साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक समय श्री दीति ठीक शाम का समय पर बड़े सुंदर शीशा को सामने बड़ी सुंदर उसने लड़चड़ श्रृंगार की। राजकुमार देखने में बड़ी सुंदर थी। जब श्रृंगार की उसके हृदय में इतने कामना भर गई, काम आ गई। वो पति को सामने गए कश्यप जी से प्रार्थना की मिलने के लिए। कश्यप जी ने कहा देखो दीदी ये समय सही नहीं है, क्योंकि ठीक शाम का समय में शंकर जी जितने भूत पिशाचों को लेकर के घूमते हैं, इसलिए इस समय मिलने का समय सही नहीं है। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, काम को संभाल नहीं पाई। पति से उसने जोर जबरदस्ती मिली। कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरे गर्भ में 2 राक्षस जन्म ग्रहण करेगा, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु राक्षस जन्म ग्रहण करेगा। इतने में दीति बड़ी दुखी हो गई, प्रार्थना की मेरे से गलती हो गई, मैं काम में आतुर हो गई थी। लेकिन उसने माफी मांगी तो ऋषि ने कहा देखो तेरे बेटे तो राक्षस बनेंगे लेकिन तेरे जो पोता होगा ना भगवान की परम भक्त होकर के जन्म लेगा, वो कौन होगा? श्री प्रह्लाद महाराज जन्म लेंगे, प्रह्लाद होकर जन्म लेंगे। इसलिए आप देखना कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं पिता माता की सवेरे उठकर चरण छूते हैं, पिता माता की आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे बड़े उदंड होते हैं, वो पिता माता की बात नहीं सुनते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है ये गर्भ संस्कार ऊपर निर्भर करता है।
गर्भ में बच्चे रहते हुए माता जी जो करती हैं वो बच्चे के ऊपर में वही प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब गर्भ में बच्चे होना, माता को उल्टा पुल्टा चीज खानी नहीं चाहिए, उल्टा पुल्टा चीज देखनी नहीं चाहिए, उल्टा पुल्टा काम नहीं करनी चाहिए। उस समय गीता रामायण भागवत पढ़ो, देखना वो बच्चा इतने संस्कारी बन करके आएगा। आप लोग रामायण देखे, आप लोगों ने कौन कौन लंकुश रामायण देखे हो, आप लोग देखे है ना, आप देखे होंगे। जब माँ सीता गर्भ धारण की हुई थी उसी समय अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए, वहां पर बड़ी सत्संग हुई। माता सीता को राम भी बोले एक आसन देखने बैठे, बोले सीते अभी तुम्हारी गर्भ में बच्चे हैं, अगर इसी समय में तू सत्संग सुनोगे ना, ये बच्चे बड़े संस्कारी होकर के आएंगे। वही उनके लव और खुश हुए, इतने बड़े संस्कार टीवी में। इसलिए बच्चे का जो जीवन है ना वो माँ के ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए भगवान वराह अवतार रूप में उन्होंने किया कि उन्होंने और नरसिंह अवतार रूप में हिरण्यनाथ और हिरण्यकश्यप वध किए। यदि भगवान की दूसरा अवतार है, ठाकुर का जो तीसरा अवतार है, यदि नारद श्री नारद रूप में आए हैं, यदि जो नारद ये जगत गुरु नारद है, लेकिन जगत में नारद जी का तो बड़ा बदनामी है, कहते ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, बोलते है ना मतलब क्या लड़ाई करा रहे हो, नहीं नारद जी के बगैर तो ठाकुर को कोई लड़ाई नहीं हुआ है। इसलिए कहते विशेष करके उनको चार चले हुए, कहते दो बालक हुए और दो वृद्ध हुए। दो बालक कौन हुए, एक प्रह्लाद और एक ध्रुव, आगे हम कथा सुनेंगे। ऐसे इनकी दो चेले हुए हैं, इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, जनामा जनामा मोनी जाता ना तक मुनि लोगों जतन करने पर भी वो अंतिम समय में ब्रह्म का नाम नहीं निकलता है, लेकिन नारद जी की कृपा ऐसे 5 साल उम्र में ध्रुव ने 6 महीना में ठाकुर को दर्शन प्राप्त कर लिया, केवल 6 महीना में। और प्रह्लाद तो 5 साल उम्र से उन्हें खंभे से नरसिंहदेव को प्रकट कर दिया। ऐसे उनको 2 चेले हुए और 2 हुए उनके वृद्ध, बोले कौन, बोले एक ही है वाल्मीकि। देखो कितने शक्ति नारद जी की, वाल्मीकि पहले कौन थे, दशरथ नगर डाकू डाका डालता था। एक दिन नारद जी जा रहे थे, बोले बाबा निकालो माल पान किया है, बोले भैया हम तो संत हैं, हमारे पास तो 3 चित्र लोटे सोटे और लंगोटे हैं, बोले जो कुछ निकालो। नारद जी ने बताया ये बताओ तुमने जो ये पाप कर्म करके कमा रहे हो इसका फल कौन लेगा, बोले मेरी पत्नी मेरे पिता माता मेरे बच्चे, बोले देख बेटा ये सबके सब सुख में तेरे साथ दे रहे, लेकिन ये कोई भी तेरे साथ दुख में देने वाले नहीं, जा पूछ कर के आओ। सचमुच से नारद जो पूछने के लिए गए, पत्नी से पूछा तू ये पाप का भागीदार बनोगी नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तुम कैसे पैसा कमाते। पिता माता से पूछे, बोले तेरे को जन्म दिया, लिखाई पढ़ाई किया, इतना बड़ा बनाया, इसलिए भैया हमें पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। बच्चों को पूछा तो बोले आपका पहला कर्तव्य है हमको खिला पिला करके बड़ा करना, जब हम बड़े बन जाएंगे कैसे पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे। देखा सचमुच से कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं, वापस आया, बोले बाबा हम सही बता रहे थे।
कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है, आप बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। तब नारद बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये इतना पापी था, दशरथ ना घर डाका डालता था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला ये तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जगत जगह जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन भाई। नारद जी की ऐसे कृपा, आप रामायण देखे होंगे, लवकुश स्वयं कहते राम को, बोले आपकी चरित्र को हमारे गुरुदेव ने अब आने से पहले दिव्य दृष्टि से देख करके सब कुछ हमारे गुरु जी लिख डाले, आने से पहले लिख दिए। लेकिन हमें उतना ही पता है जितना गुरु जी हमें पढ़ाए, लेकिन आगे की बात पता नहीं, यहाँ तक तो आपको हम सुना सकते हैं। इसे लव कुश को उन्होंने पढ़ाए, राम की कथा राम को लव कुश सुनाए, ऐसे श्री नारद जी की कृपा हो गई। और दूसरा चेले कौन होंगे, बोले स्वयं व्यास देव जी जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखे। हमारे जो सनातन धर्म का जो दो ग्रंथ है, एक रामायण और एक श्री श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये नारद जी कृपा से ही ये दो ग्रंथ हमें उपलब्ध है। बोले श्री नारद बाबा की, जोर से बोलो, बोले श्री नारद बाबा की। यदि ये भगवान की ये भक्त भक्त बता रहे हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है नारद भक्ति सूत्र, बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसमें भक्ति की बड़ी महिमा उसने गाई है। भगवान का जो चौथा अवतार है, नर नारायण रूप में ठाकुर जी बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ गए हैं, कौन कौन गए हैं बद्रीनाथ, कितने ही व्यक्ति गए हो आप बताओ, कौन जाना चाहते हो, सबके एक बार ले जाएंगे, कौन जाना चाहते हाथ उठाओ, कौन जाएगा, देखो वहां जाने का कितने महत्व देखो। ये बद्रीनाथ क्यों, बद्रीनाथ में ये बद्री नर नारायण की तपस्या क्यों कर रहे, इसका रहस्य सुनो, और वहां जानने का कितने महत्व है। बोले एक समय श्री नारद जी मरते जगत में आए, और उन्हें घर घर में नारद जी गए, सबसे पूछे, सब घर में सब कुशल मंगल है ना, सबके सब तो सारे हिलाए, बोले घर में सब जगत का मालिक तो आप ही हो, बोले जो बड़ा व्यक्ति जो करता है छोटे व्यक्ति तो उसको देख कर करेगा, बोले तुम स्पष्ट बताओ ना क्या बोलना चाहते हो, बोले आप तो दुनिया का मालिक, आप क्या कर रहे हो, आप अपना लक्ष्मी को लेकर के दिन भर पड़े हो, लक्ष्मी कभी आपके चरण को छोड़ती नहीं, अनंत नाग ऊपर लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए दुनिया बोलेगा, जब भगवान अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े रहे। बोले भैया बताना क्या चाहते हो, बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर किसको अभी सुख शांति मिली नहीं, जब भगवान की भक्ति करेगा तब तो शांति सुख मिलेगा, लेकिन अगर आप अगर भक्ति करोगे आपसे तो दुनिया सीखेगा। बोले ठीक है नारद जी मैं जा रहा हूं। भगवान निकल पड़े तपस्या करने के लिए, उनसे कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। जब उन्हें बद्रीनाथ में गए, देखा अलका नंदा बड़ी सुंदर वहां पर बह रही है, अब लोग गए जो लोग गए देखे होंगे कितने सुंदर स्नान, वहां पर तप्त कुंड है जहां पर रोज शंकर पार्वती स्नान करने के लिए वहीं आते थे, पहले वो शंकर पार्वती का स्थान था। वहां पर जब नारायण पहुंच देख करके बड़ा सुंदर लगा, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, बोले यहीं पर मैं भजन करूंगा, लेकिन शंकर पार्वती यहाँ रहते हैं, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। कैसे, इतने में रोज शंकर पार्वती तप्त कुंड में नहाने आते थे, ठाकुर जी एक छोटा बालक बन करके बर्फ के ऊपर में रोना शुरू कर दिया, शंकर जी आगे पार्वती पीछे पीछे चल रहे थे, शंकर जी देख करके समझ गए दाल में कुछ काला, ये बच्चा कहां से आया, लेकिन पीछे पीछे माँ आ रही थी, माँ का हृदय तो बड़े कोमल है, अभी माता जी देख करके बच्चे को, भगवान बच्चे बने हुए बड़े सुंदर थे, बच्चे को गोद में उठा लिए, शंकर जी से पूछा आपको ये बच्चा दिखा नहीं इतना सुंदर बच्चा, बोले पार्वती दाल में कुछ काला है, बोले छोटा बच्चा रो रहा है दाल में काला है, इसको मैं घर में सुला करके आती हूँ। मैया पार्वती घर में सुला करके जब आई, दोनों स्नान करके जब वापस गए ना,
वो तो स्वयं नारायण थे। जब अंदर में सुला दिया ना, वो अंदर से खुंडी बंद कर दिया। शंकर जी जाकर के जब उन्होंने दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोले ही नहीं। शंकर जी बोले, पार्वती पहले तेरे को मना कर रहा था, देखा तूने घर में सुलाया था, हमारे घर ही दखल कर गई। तब उन्होंने ध्यान लगाया, ये कौन है? देखा ये भगवान स्वयं नारायण है। बोले ठाकुर जी, अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है आप रहो, मैं केदारनाथ जाता हूँ। शंकर जी फिर वहां से केदारनाथ चले गए। इसलिए भगवान ने वरदान दिए हैं, अगर कोई कष्ट करके एक बार श्री बद्रीनाथ में आए, उनको पता था कलियुग का जीव इतने साधन कर ही नहीं सकता। बोले मैं तुम लोग का होकर के मैं स्वयं तपस्या करता हूँ, कोई बद्रीनाथ में आ करके मेरे को केवल दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही मैं जो भजन कर रहा हूँ इसका छठवा भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा, दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अगर कोई बद्रीनाथ जाए और ठाकुर को दर्शन करना, वो दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसको मिल जाती है। इतने महिमा बद्रीनाथ की। इसलिए हमारी जो सनातन धर्म में जो चार धाम है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, इसको जीवन में एक बार कोई करे कहते संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन पहले जो रास्ता था बड़ा कठिन रास्ता, पेड़ को पकड़ पकड़ कर चलते थे बड़ी कठिन से। जब लास्ट में लोग जाते थे बोल देते थे हमारी अंतिम क्रिया कर लेना, क्यों हम वापस आएंगे नहीं पता नहीं, ऐसे कठिन रास्ता। लेकिन अभी तो बड़ा सुंदर रास्ता बन गया, 10 दिन में ही पूरा ये चार धाम घूम करके आ जाओगे। और अभी तो वो टूरिस्ट स्थान बन गया, इतने सुंदर स्थान बन गया, टूरिस्ट प्लेस बन गए। इसलिए वहां दर्शन करने का बड़ा महत्व है। बोले श्री बद्री विशाल की, ऐसे उन्होंने भगवान की चपीस अवतार की कथा यहाँ पर सुनाए। मत्स्य कुरुम वराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि, जब उन्होंने चपीस अवतार की कथा सुनाए उसको अंदर में उन्होंने ये बोले, भगवान कृष्ण भी एक अवतार है। सुतो को स्वामी डर गए, बोले क्यों? बोले भगवान जो कृष्ण ये अवतार नहीं है, ये अवतारी। अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आता है। इसलिए सुतो गोस्वामी फिर भगवान कृष्ण के लिए एक श्लोक बनाए। बोले एतेजान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृणयन्ति जुगे जुगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, अभी तक मैंने जितने अवतार का वर्णना की है, ये जो भगवान कृष्ण ही ये मूल है, और जितने अवतार कोई अंश कोई कला है, लेकिन जो 16 कला में जो परिपूर्ण है ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कला में परिपूर्ण है। इसलिए कृष्ण गीता में इसलिए तो कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति पार्थ। इसको किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब जरूरत पड़ता है मैं ही, कभी मत्स्य बन करके, कभी कुर्म बन करके, कभी नरसिंह बन करके, मैं ही आता हूँ, आ करके भक्तों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। इसलिए जब आप भगवान की कृष्ण भक्ति कर देते है ना, सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है, क्योंकि भगवान के अंदर में ही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान कृष्ण का अंदर में विद्यमान। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी बहुत एक अच्छी बात बताए। बोले जैसे कृष्ण ये समस्त अवतार का मूल है, उनका जो नाम है ना, ये नाम भी सर्वश्रेष्ठ नाम है। देखो अच्छे तरह से आप लोग सुन लो, बढ़िया से। बोले एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु हम किसकी भजन करें और किसके नाम करें? ये शंकर खुद कहते हैं, बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम। बोले हे पार्वती, जो भगवान जो विष्णु हैं, जितने आराधना में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना है। तब से माता पार्वती जो 1000 जो विष्णु सहस्र नाम को रोज करते हैं, अभी 1000 नाम लेने के लिए समय लगेगा,
एक दिन शंकर जी सवेरे सवेरे भोजन प्रार्थना की, बोले पार्वती भोजन ले आओ। बोले प्रभु अभी तो भजन नहीं हुआ, बड़ी जल्दी भोजन की बात कर दो, पहले भजन बाद में भोजन, पहले भजन करने दो। 1000 ग्राम लेने के लिए तो समय लगेगा ना। इतने में शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक सरल मार्ग बताता हूँ, जो परिश्रम कम करोगे और ज्यादा फल मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं ना, परिश्रम कम करे और माल हमें ज्यादा मिले। इतने में बोले बताओ क्या बात है। एक श्लोक आप सुने होंगे, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। माँ पार्वती बड़ी सुंदरी है, बोले हे सुंदरी पार्वती, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसको लेने से जो फल की प्राप्ति होगी, एक बार श्री राम का नाम लेने से तुम्हें वही फल मिल जाएगा। पार्वती बोले फिर तुम्हें प्रभु राम का नाम लूंगी। तब से माता पार्वती क्या करती थी, बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति पार्वती प्रभु राम के नाम जपा करती थी। एक दिन शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती भोजन ले आ। बोले प्रभु बड़े जल्दीबाजी करते हो, अभी तो भजन नहीं है, भजन की बात कर रहे हो, अभी भजन करने दो। इतने में शंकर जी बोले पार्वती इधर आ। बोले बताओ, बोले तेरे को और एक सरल रास्ता बताता हूँ, जो परिश्रम कम करोगे और फल ज्यादा मिलेगा। बोले बताओ कौन सा नाम है। तो वहां पर बताए, वहां पर बताते हैं, अगर तुम 3 बार राम का नाम करने पर जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम से तुम्हें वही फल मिल जाएगी। इसलिए कहते सहस्रा नाम नाम पुण्यानाम, तो ये श्लोक है, संस्कृत समझते हो। बोले सहस्रा नाम नाम पुण्यानाम तिराविद्वा तु जत्फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैकतत् प्रजच्छति। बोले पार्वती ये विष्णु सहस्र नाम को जो 3 बार करे, मतलब 3000 जो विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम से वही फल मिलेगा। इसलिए पार्वती जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है। जब माता पार्वती कुछ दिन कृष्ण नाम की, फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती धरा एक रहस्य बात बताता, बोले बताओ। बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन पहले बताए पूर्ण ब्रह्म कृष्ण सोलोकला में, फिर आप बता रहे हो कृष्ण नाम से भी बड़े नाम है। बोले मैंने थोड़ी बता रहा हूं, ये चंद्रमा को स्वयं बांके बिहारी बोले। बोले क्या बोले, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। अब ये कृष्ण खुद कह रहे, बल अगर मेरा कोई 100 बार नाम ले, एक बार से राधा जी का नाम जो लेते हैं, एक राधा जी का नाम के साथ में मेरे 100 नाम की बराबर है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, वृंदावन में गए कौन कौन, वृंदावन में गए हो आप बताओ, वृंदावन किसके नाम सब लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से बोलो। क्योंकि जो ब्रजवासी ना बड़े चालाक है, ब्रजवासी वो जानते हैं जब एक बार राधा जी का नाम लिए तब तो कृष्ण का सा नाम तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले।
देखने में अभी मैया पार्वती बोली आज से तो मैं राधा राधा छोड़कर और कुछ बोलूंगी नहीं। क्या बोलूंगी? राधा का नाम छोड़कर और कोई नाम ही नहीं लूंगी मैं। इतने में शंकर जी बोले देखो पार्वती बोले इसमें भी बड़े रहस्य है। बोले फिर रहस्य क्या? आप तो स्वयं बोले कृष्ण जब खुद कहते हैं मेरे सा नाम में जो फल है एक बार राधा जी का नाम है फिर तो हम दिन भर राधे राधे ही बोले। बोले देखो पार्वती बोले राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे वहां राधा जी नहीं आएगी वो बिहार जी आएंगे क्योंकि राधा जी का नाम कृष्ण का सबसे बड़ा आनंद लगता है इसलिए वहां पर बिहार जी आते हैं। लेकिन अगर तुम बिहारी जी बोलोगे ना फिर राधा रानी वहां पर आते हैं क्योंकि राधा जी के नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न होते हैं। पार्वती बोली प्रभु तो मैं तो बड़े कंफ्यूज में पड़ गया हूँ अभी बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो। बोले देखो पार्वती दोनों का नाम लेना पड़ेगा जुगल नाम ग्रहण करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या है? देखो शंकर जी कहते हैं बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 और एक जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले पार्वती ये महामंत्र को जप कर। बोले प्रभु इसमें तो राधा कहाँ है? कहाँ हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम मेरे खिचड़ी जैसे इसमें राधे का नाम तो है नहीं कहाँ। देखो आप लोग संस्कृत तो पढ़े हो थोड़ी बहुत बोलो तो कौन संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़े हो हाथ उठा कौन संस्कृत स्कूल में पढ़े हो। हाँ देखो ये जो हरे शब्द है कि राधा जी का नाम कैसे इसका मूल शब्द हरा जैसे आप लोग लता लते लता लता लते लता लता भ्यम लता भी शब्द रूप पढ़े होंगे ना इसका मूल शब्द हरा। हरा मतलब होता है कृष्ण का मन को चित्त को जो हरना करती है वो हरा है लेकिन वो संबोधन में हो जाते हैं हे हरे मतलब हे लाधी राधिके हैं कृष्ण शब्द से कृष्ण फिर हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण फिर आता है हरे राम यहाँ पर तो हरे हो गया सिर्फ राधा रानी फिर यह राम शब्द फिर कहाँ से आया कहते जो दशरथ नंदन नाम जो अयोध्यापति राम का नाम ये महामंत्र में नहीं है ये कृष्ण का एक नाम राम है क्यों वो राधा जी को साथ में रमण करते रास करते हैं हम कहते हैं ना राधा रमण हरि गोविंद जय जय वो रमण मतलब रास करने का नाते ये राधा रमय तीर्थी राम ये जो महामंत्र है इसमें राधा कृष्ण का ही इसमें नाम है इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती बोले इति षोडशक नाम कली कल्पस नाशन नात परत उपाय सर्व विदेश दृश्यते। शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले पार्वती जो सोलह नाम जो बत्रीस अक्षर है कलियुग का पाप को ये जितने जल्दी नष्ट कर सकता है और कलियुग में इतना जल्दी नष्ट करने का कोई उपाय नहीं ये शंकर जी स्वयं कहते हैं इसलिए कलियुग का महामंत्र की विशेष महत्व है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अभी भगवान कृष्णा हस्तिनापुर में रह रहे हैं जब जब वो जाने के लिए तैयारी होते हैं पांडव लोग घर से जाने नहीं देते कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। एक दिन मैया कुंती आकर के कृष्ण को स्तुति कर रहे थे बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रह। भगवान के शरीर में आठ कमल है अब लोग गिन लो आठ कमल क्या क्या है कहते दो नेत्र कमल है दो चरण कमल है एक मुख कमल है एक नाभि कमल कि भगवान के शरीर में आठ कमल है इसलिए मैया कुंती भगवान को कमल कमल रूप में भगवान को स्तुति की। बोले क्यों
जैसे कमल देखने में बड़े सुंदर है, ठाकुर जी देखने में बड़े प्यारे हैं, इसलिए भगवान को सारे अंग को कमल के साथ में उदाहरण दिया। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कन्हैया तुम्हारी जो कृष्ण रूप को जो भजन करता है जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन? बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, लेकिन उन्होंने पिता किसको पिता रूप में स्वीकार किया? बोले श्री वसुदेव महाराज, इसलिए जगत पिता जगन्नाथ वसुदेव महाराज को पिता बनाए। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले माता देवकी, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड जिनकी गर्भ में, लेकिन भगवान किसकी गर्भ में आए? बोले ये देवकी की गर्भ में ठाकुर जी आए। बोले उनसे कौन श्रेष्ठ? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले उनसे श्रेष्ठ है ये नंद जसोदा और सिंह नंद बाबा। बोले क्यों? बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन उनको उत्सव कहाँ पर हुआ है? पलना में किसने झुलाया? उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया? बोले भैया जसोदा नंद बाबा, उनसे श्रेष्ठ ये है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रज की गोपियां हैं। बोले क्यों? बोले भगवान ने रास किसको साथ में किए हैं? रास रचिया कौन है? बोले श्री ब्रज की गोपियां हैं। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, ये गोपियां भी जिनके चरण की सेवा करती हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जब मैया करती स्तुति कर रही थी, कृष्ण बोले बुआ जी तू तो उल्टा गंगा बह रहे हो, मैं तो भाती जा हूँ, तेरे को स्तुति करनी चाहिए, तू तो मेरी स्तुति कर रहे हो। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया है, किसको बुआ किसको भैया किसको पिता माता बना दिया, सारा दुनिया की माया तुमने सब माया में तुम फंसा करके रखे हो, यही तो तुम्हारी माया, इसलिए तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण ने कहा बुआ जी आज जो कुछ इच्छा मेरे से तू बर मांग ले। इतने में मैया कुंती क्या कहती है? बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले मेरे को देना चाहते हो मेरी झोली में धूप भर दो। बोले भैया दुनिया कहते सुख संपत्ति घरे आवे धूप कष्ट मिटे तने का जय जगदीश। हम कहते ना तुम तो दुख ही मांग रहे हो। बोले दुख क्यों चाहती हो? बोले कन्हैया बोले दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई। अब जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए, इसलिए कहते सुख के माते सील पड़े जो राम हृदय से जाए बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। हम लोग सही बताओ तो ठाकुर जी का स्मरण दुख में होता ना सुख में होता है? और बोलो जोर से आप देखना दुख में ज्यादा स्मरण होता है। इसलिए भैया कुंती कहती है बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन कौन? बोले जन्मा ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि रेदमान मद उपमान। ये चार व्यक्ति को अंदर में बड़ी घमंड आ जाती है। बोले कौन? अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, अगर ज्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा सुंदर हो जाए, ज्यादा ज्ञान आ जाए। बोले प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले नमो अकिंचन विताय जो दीन हीन व्यक्ति तेरे भजन करते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से उन्होंने दुख भी मांगे। इतने में पितामह भीष्म जी वो भी सरसज्जा में लेटे हुए हैं, उनका भी अंतिम इच्छा है ठाकुर जी की स्मरण करते करते अंतिम श्वास पर त्याग करें। ठाकुर जी वहां भी गए और ठाकुर जी सामने जाकर के पंच पांडव सब प्रणाम कर रहे थे, अपना अपना परिचय दे गए थे, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सबके सब पितामह भीष्म को प्रणाम कर रहे थे। पितामह भीष्म आंख बंद किए हुए थे। इतने में जब कृष्ण भी प्रणाम किए, बोले अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। तो इतना बोलते ही पितामह भीष्म झट आंख खोल दी, क्योंकि भीष्म उनकी स्मरण कर रहे थे। उनकी अंतिम इच्छा थी ठाकुर का दर्शन करते करते उनका नाम लेते लेते अंतिम श्वास को मैं त्याग दूं। इसलिए इतने में पितामह भीष्म बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, लेकिन वो बेटी शादी के लायक हो गई,
लेकिन जिंदगी भर उसके लिए मैंने पति ढूंढा, लेकिन जीवन में उसने लाई कोई पति नहीं मिला। अगर घर में किसका बेटी जवानी हो गई, शादी के लायक ही हो गई, पिता माता क्या सोचते हैं, कब इसको शादी करा दे, यही तो सोचते हैं ना। लेकिन उसको उपयुक्त पति मिला नहीं, उपयुक्त लेकिन बड़े दिनों के बाद में हमें पति मिला। भगवान ने बोले भीष्म तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई, क्योंकि पहला उनका नाम था देवव्रत। लेकिन जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, कठोर प्रतिज्ञा की, आजीवन में ब्रह्मचर्य को पालन करूंगा, तभी उनका नाम भीष्म नाम पड़ गया। बोले तुमने तो शादी नहीं किया, बेटी कहाँ से आ गई। बोले इति मति रूप कल्पित वितृष्णा। बोले प्रभु मेरा जो मन जो बुद्धि यही मेरी बेटी है, ये मन को किसको चरण में लगाओ, ये मन को जब श्री मनमोहन के चरण में लगा दो तभी ये मन की गति, नहीं तो कोई गति है नहीं। इसलिए प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूँ आपका नाम को लेते लेते आपके दर्शन करते करके अंतिम श्वास को मैं त्याग करूंगा। भगवान सामने खड़े थे, पितामह विष्णु बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुति की ठाकुर जी को, बड़ी सुंदर इनकी स्तुति सुनना पूरा तो 3-4 घंटा लगेगी उनकी स्तुति सुनने के लिए। उन्होंने क्या दिव्य स्तुति ठाकुर जी की है, और ठाकुर सामने खड़े और उनके नाम को लेते लेते अंतिम श्वास को त्याग दी। जितने देवता लोग स्वर्ग में उनने पुष्पों की बौछार की, बोले श्री पितामह भीष्म की। बोले देवता लोग क्यों प्रसन्न हो गए, बोले जय नामा मोनी जाता ना कराए, दो बात को समझा गए। आप लोग हिंदी समझते कि नहीं, कौन कौन हिंदी समझते, सब हिंदी समझते। देखो ये दो प्यार में आप लोग ध्यान दो, इसमें दो अर्थ कैसे है। जैसे किसी व्यक्ति को बोलो भगवान की भजन करो, बोलो अभी क्या भजन करने का उम्र है, हम जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएंगे 1-2 माला सच्चा देंगे, अभी से भजन कितने, हाँ अभी थोड़ी मर रहे हैं, अभी से भजन करना शुरू कर देंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं दो अर्थ इसमें, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। एक अर्थ है जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, कभी भी अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं होता है। जिंदगी भर मांस मछली नहीं खाया, हमें उधर देखा जब मरने जा रहे थे, बोले क्या खाना, बोले मांस ले जाता है अंतिम समय पर। इसलिए भैया अंतिम समय पर रील में जो भरा होगा वो निकलेगा ना, अगर जिंदगी भर प्रभु की भजन करेंगे तभी तो निकलेगा, नहीं तो कहां से निकलेगा। एक अर्थ है जतन करने पर भी नहीं आता, दूसरी अर्थ है बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तभी अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। अब अंतर राम कहीं फिर आवत नहीं, फिर संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रह्लाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते हैं कितने उम्र से भजन करनी चाहिए। बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, प्रह्लाद कह रहे बच्चों को, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत निह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम। बोले बच्चों 5 साल उम्र से भजन करना शुरू करो, कितने साल उम्र से, तो बच्चों ने कहा 5 साल से क्यों भजन करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे भजन करेंगे। प्रहलाद ने कहा कोई गर्व नहीं कर तुम्हारी बात में रखा हुआ, अभी करुणा आई थी ना, किसको पता था इतनी कम कम उम्र में सब चले जाएंगे, कोई गारंटी कार्ड है, जाते जाते हार्ट अटैक हो जाता है, बैठी बैठ कर जाते जाते एक्सीडेंट हो गई, पता नहीं कैसे कैसे लोग मरते हैं।
बोले कोई गारंटी गाड़ किया है? तो उन्होंने बोले नहीं तो अगली जीवन में भजन करेंगे। प्रहलाद कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मा, बच्चों ये जो मानव शरीर है ये 84,00,000 भ्रमिक के नरतन दही, ये तो 84,00,000 जन्म को बाद में ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर देते हैं। भगवान राम भी यही कहते हैं देत ईस बिनु हेतु सनेही, ठाकुर तो कृपा करके कैसे जीवन दे ही दिया। मेरे तरफ में देखो देखो, जैसे एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी है, इसके अंदर इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में भी इतने इंसान नहीं। अब मानते कि नहीं बताओ, अब मानते कि नहीं पृथ्वी में भी इतने इंसान नहीं, ये एक बोतल पानी के अंदर भी इतने बैक्टीरिया, मानते कि नहीं? आप बताओ। इसलिए भागवत में कहते जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, उसी तरह ये जीव कभी गिन नहीं सकते हैं। इतने जीव भगवान कहते ये बात को, बोले तेत ईस मैंने ईश्वर ने दिया है बिनु हेतु सनेही, कैसे बिना कारण से स्नेह पूर्वक कैसे जीवन तुमको दे दिया जीवन, ये मानव शरीर सहज में नहीं मिलता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं सुरा दुर्लभ सत ग्रंथ में गावा, ये देवता लोग भी तरसते हैं ये मानव शरीर हमें कहां पर भारत में मिले, सनातन धर्म में हमें मिले। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ठाकुर हमें कोई दिल हीरे दिया है, ये कोई दिल हीरे है, अगर एक बार खत्म हो गया ना ये दो बार और मिलने वाले नहीं है। जैसे अंबानी, अगर अंबानी को बोल दिया डॉक्टर ने देखो इसका अंतिम श्वास है, उसका परिवार बोले तुमको चार कोई भी हीरे दे रहे हैं, इसकी चार श्वास वापस ले आप, ला सकते हैं? पता चार श्वास वापस आ सकता है? नहीं आ सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये कोई मेरे हीरे ठाकुर दिए, ये मानव शरीर नहीं। इसलिए साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, अभी अब मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे। इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों जितने जल्दी हो प्रभु की भजन में लग जाओ, ठाकुर जी की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि बचपन से जो आदत डालते हैं ना वो अंतिम समय में वही आदत पड़ी रहती है, तभी भगवान की भजन होगा जब बचपन से प्रभु की भजन हम करना शुरू करेंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोले जोर से, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। देखो जैसे हम लोगों ने हरि नाम किया है, आप बताओ इंसान को छोड़कर कोई हरि का नाम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए सभी का मुक्ति की दरवाजा बंद है, लेकिन मानव शरीर में मुक्ति की दरवाजा हमारी खुला हुआ है। हाँ प्रभु जी आप कह के सुंदर भजन सुनाएंगे, सब खड़े होकर नृत्य करना, ठीक है ना? भगवान के दरबार में नाचो तो 84,00,000 जो भी नाचना बंद हो जाएंगे। Thank you.
जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ सब बैठ जाओ, एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बल भक्ति जोगेन संगत प्रणहीत अमले अपश्यत पुरुषार्थ पूर्णम माया जत अपाश्रय। सब बैठ जाओ, जो पीछे जो खड़े हैं सब बैठ जाए, सर जो पीछे खड़े सब बैठ जाओ। जब श्री व्यास देव जी, जब नारद जी व्यास देव पहले उन्होंने सर्वप्रथम एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में विभाग कर दिए, फिर उनको ब्रह्म सूत्र बनाए, उसको बाद में उपनिषद बनाए, उसको बाद में सतर पुराण बनाए, अंतिम समय में उन्होंने देखा ये स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद श्री महाभारत बताए। लेकिन तब भी उनको मन में शांति नहीं। एक दिन श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आए, बोले नारद जी लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही बताए। बोले गुरु जी मेरे को पता नहीं चलता है शांति क्यों नहीं मिल रहा है। बोले देखो नारद जी, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बरिया कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताए, तुमने भगवान कृष्ण की कथा तुमने दिल खोल कर बनाई। बोले गुरु जी मैंने दूसरे दूसरे पुराण में भी मैंने भगवान की कथा सुनाई है। मैंने भगवान की कथा तो सुनाई। बोले सुनाया तो है, लेकिन जितना सुनानी चाहिए तुमने उतना नहीं बताया। दूसरे दूसरे धर्मों को तुमने बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, क्योंकि जो जीव है वो भगवान की अंश है। जब तक ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अभी ये भागवत ग्रंथ को रचना करो। जब श्री व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया, कैसे कृष्ण राधा रानी को साथ में खड़े हुए, अष्ट सखियों को द्वारा नंद जसोदा मैया कृतिका सुंदरी सब के सब उन्होंने दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ बनाया। लेकिन ये ग्रंथ तो बड़े सुंदर बनाया, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाएंगे किसको? बोले ये सुखदेव गोस्वामी इसको ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए। तब व्यास देव के चार चले थे। बोले देखो चलो, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको वापस ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कैसे। बोले तुम्हें चारों को मैं चार श्लोक मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझना वही मेरे तोता है। तो उन्होंने पहला जल को सिखाए, बोले बरहा पिडम नट बर बपुहु कर्णयो कर्णितारम विप्रद पास सनक कपिशयम वैजयंति जमालम रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम गीत। मतलब कृष्ण देखने में कितने सुंदर है, इसलिए कहते ना बांके बिहारी की देह छटा और मेरा मन है गयो लटा पटा, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए कभी कभी गोपियां ताना मारती है, बोले नंद लाला तो यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ तेरे को भगवान तेरे को लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। अगर तू लाली बनती तो इतने सुंदर देखने में, पता नहीं तेरे पीछे सारा दुनिया भर जाता। इतने कृष्णा सुंदर हैं।
जब उन्होंने कृष्ण की सुंदरता की वर्णना की, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो जन्म से ब्रह्म ज्ञान ध्यान कर चुका, वो ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या, वो निराकार को ध्यान कर रहे थे, लेकिन उसका तो कोई रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कोई सुंदरता नहीं, लेकिन हमारे भाग्य बिहार तो बड़े सुंदर है। जब उनका कानों में यह मंत्र पड़ा, उनने सब छोड़ करके बाहर निकल करके आ गए। इनसे पूछे ये तुमको ये मंत्र कहाँ से मिला, बोले हमारे गुरु जी बोले हमारी एक तोता कहीं घूमते हुए चला गया, उसको वापस लाओ। हमने बोला पता कहीं चले गया ये आपकी तोता, बोले ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आए, समझना कि मेरे तोता, बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही सुखदेव गोस्वामी हूँ। बोले देखो वो देखने में तो देखो बड़ी सुंदर है वो देखने में, लेकिन देखने तो बड़े सुंदर है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं। दूसरा चला, दूसरा मंत्र पढ़ दिया, बोले जयती तधिका जन्म ना प्रया तेरा उनको तीसरा जल प्रश्न किए। तीसरा प्रश्न है भैया वो देखने में तो बड़े सुंदर है, रहते हैं तो वृंदावन में, लेकिन उनका परिवार कैसे है। तीसरा चलाने फोन दिए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन में रहते हैं, उनका जो पिता श्री नंद जी, मैया जसोदा, भैया श्री दाऊ भैया, बोले भाव परिवार भी बड़ा सुंदर है। हाँ देखो ध्यान करके सुना, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज को समझा रहे हैं, आप लोग भी अच्छे तरह से समझो। बोले जगत में तो बहुत सारी देवा देवी है, अभी हमें ये कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये चीज को समझा रहे, आप भी अच्छे तरह से समझो। ये कृष्ण को क्यों पूजा करनी चाहिए, क्या कृष्ण में विशेषता है। जो सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी, जो ब्रह्म ज्ञान को टुकड़ा करके कृष्ण भक्ति में क्यों आए। देखे एक उदाहरण दिया, जैसे आप अपना बेटी को कहीं शादी देना चाहते हो, आप देखना जब आप देखोगे उसके लिए कोई लड़के, भले ही कुछ भी नहीं देखो, देखोगे देखने में कैसे, हम कहते ना भैया पार्षदाल भी बड़ा सुंदर है, लड़का तो देखने में बड़ा सुंदर है। जगत में कृष्ण जैसे जगत में कोई सुंदर है, कृष्ण जैसे जगत में कोई सुंदर है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कैसे बोले कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शुभम करोड़ों काम देव जहाँ पर परास्त हो जाए, ऐसे श्री भक्ति जी आ रही। बोले देखने में तो बड़े सुंदर, फिर दूसरा प्रश्न है, बोले देखने में तो बड़ा सुंदर है बेटा, शादी तो दोगे, लेकिन दूसरा प्रश्न क्या आएगा, कोई काम धाम करता कि नहीं, कोई पैसा कमाता कि नहीं, ऐसे नहीं बेटी को शादी देकर भूखी तो नहीं मर जाएगी। जब उन्हें दूसरा प्रश्न की, बोले भूखी मरेगी, वो वृंदावन में रहते हैं जहाँ पर भूमि चिंतामणि, जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहाँ पर पानी अमृत है, कोई अगर चलता है जल लगता है जैसे बड़े सुंदर नृत्य करता है, कोई कुछ बोलता तो लगता है जैसे बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, अगर बेटी को शादी दोगे ना राज एकदम ठार बात में रही, राज रानी जैसी रहेगी। फिर तीसरा प्रश्न है, देखने में बड़े सुंदर, पैसा की कमी नहीं, तीसरा प्रश्न है उसकी परिवार कैसे, ऐसे नहीं सास ससुर बड़े लड़ाकू और उनको जो उनको जो चेट नहीं तो देवर बड़े लड़ाकू इतने लड़ाई झगड़ा करने वाले, ऐसे नहीं बेटी घर बार छोड़ कर तो नहीं आ जाएंगे। बोले नहीं, उसको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या है, आनंद है, नंद सब जो आनंद देने वाले। बोले मैया का नाम, बोले जसोदा मतलब जसम ददा भी सबको जो जस देने वाले। बोले भैया भैया का नाम क्या, बोले दाऊ दया, दाऊ
दयाल बलदेव प्रभु बड़े कृपालु है, परिवार बड़ा सुंदर है। देखो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण चौथा चीज है, बेटा देखने में सुंदर, पैसा भी कमा रहा है, परिवार भी बड़ा सुंदर, लेकिन उसका नेचर कैसे, उसको स्वभाव कैसे है। अगर बड़े क्रोधी हो, बात बात में हाथ उठाकर पीटना शुरू कर देता है, दिन भर माल पी पाकर पड़ा रहता है, दिन भर जुआ खेलता है, बड़ा क्रोधी, भले ही वो जितने सुंदर रुपया पैसा हो, बेटी को साथ लोगे बोलो, बोले भैया जरूरत नहीं थे पैसे, तू अपना पास में रख। इसलिए चौथा चेला ने प्रश्न किया उसका नेचर कैसे है, उसका नेचर कैसे है। देखो चौथा श्लोक क्या है, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाधि, बोले उसकी बाकी बिहारी की नेचर के बारे में सुनना चाहते हो, वो इतने दयालु इतने कृपालु ठाकुर जी, उनके जैसे कृपालु जगत में कोई नहीं। उदाहरण दिया है, पुतना जब गई थी कृष्ण को पास में, पहला नंबर में राक्षस थी, लेकर के क्या गई थी, बोले 20 जहर लेकर के स्नान में गई थी, तीसरा नंबर में बच्चों को खून पीने वाली राक्षस थी, लेकिन हमारे कन्हैया कृष्ण इतने दयालु हुए, इतने कृपालु ठाकुर जी, कहते गुना अबा गुना प्रभु देखो ना काम। ठाकुर जी इसका कोई अवगुण का प्रति नजर नहीं किया, उसने जो एक नाटक की थी, बोले इतने सुंदर लाला को मैया पल्ले में थोड़ी सुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। उन्होंने थोड़ी सी नाटक की तो इतने में ठाकुर उसको कहाँ स्थान दे दिया, उनको गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। इतने दयालु से भगवान श्री कृष्ण चंद्र, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री बांके बिहारी की जय। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके आए और पूरी भागवत को पढ़े, कहते ये भागवत का जो वक्ता ये है जो परम ज्ञानी, बोले भैया इसका श्रोता कौन है, बोले इसका श्रोता भी साधारण नहीं, ये परिचित महाराज जिन्होंने मातृ गर्भ में रहते समय जिस समय अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया मारने के लिए, उसी समय में उतर आने कृष्ण शरण में आ गए। कितना जागिरा के साया मार सके ना कोई, बाल ना पांका कर सके जो जगह बैरी है, जब कृष्ण शरण में आ गए, कृष्ण इतने में मातृ गर्भ में प्रवेश किया उतरा की, और गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और श्री परिचित महाराज को बचाए। जब उन्होंने जन्म लिया, चूंकि उन्होंने गर्भ में ठाकुर का दर्शन किया था, वो सबको परीक्षा कर रहा था, वो काले काले मुरली वाले का है, इसलिए इनका नाम बढ़ गया परिचित महाराज पड़ा, बोले श्री परिचित महाराज की। इसलिए वक्ता जैसे श्रेष्ठ श्रोता भी सर्वश्रेष्ठ श्री परिचित महाराज ने। अभी भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, भगवान बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि का तो प्रारंभ कर, उनको आदेश पा करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मन से चतुष्ण को सृष्टि की, बोले भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम बड़ा है, बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, बड़ा दुख में है, बोले भगवान का आदेश है, बोले पिताजी माफ कर दो, बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले मैं अभिशाप देता हूँ जैसे जन्मों के जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। इसलिए चतुष्ण को देखोगे वो 5 साल से कभी इसका उम्र ज्यादा नहीं होता है, हर समय 5 साल उम्र में भ्रमण करते हैं, बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशापित तो बरदान है, क्यों घर का सारे बोझ बड़ों के ऊपर में छोटों के ऊपर में नहीं। फिर भगवान फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ललाट से रुद्र देव प्रकट हुए, शंकर जी को ये आदेश दिए संसार का क्रम बढ़ाओ, शंकर जी ने देखा अगर मना कर दूंगा तो फिर पिताजी बिगड़ जाएंगे, फिर उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है, बंद कर जरूरत नहीं है सृष्टि करने का, शंकर जी खुश हो गए, पर परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, 10 संतान को सृष्टि की। फिर मनु महाराज अपना शरीर से आधा शरीर से उन्होंने मनु और आधा शरीर से सतरुपा को सृष्टि की, और यहीं से सृष्टि बढ़ना शुरू हुई, 2 बेटे और 3 बेटी उन्होंने जन्म दी।
आकुति देहूति प्रसूति और उत्थान पाद और प्रिय प्रद, यही से सृष्टि हुई, इसलिए हमको कहते हैं मानव। अभी किसी बंदर का पूछ कट रही है, बोलो उसी समय क्यों कट गया था, अभी क्यों नहीं कट रही है? कहते भैया हम कभी बंदर से नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे पुराण देखो, बाइबल देखो, हैं हमारी गीता को देखो, कहीं पर नहीं बताया हम बंदर से हुए हैं। देखो भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मम्मी जीव भूत सना, इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हम बंदर से नहीं ठाकुर से हुए। आप बाइबल में पढ़ करके देखो, वहां पर बताए गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल कहता है, क्रिश्चियन का ग्रंथ है, भगवान अपना जैसे जीव को जन्म दिए। आप पुराण पढ़ो, मुसलमान का ग्रंथ कहते अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, अपना जैसे सूरत इंसान को दिया है, इसलिए हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, हमारे पूर्वज है भगवान राम और कृष्ण है। जैसे देखो भगवान की, जैसे भगवान राम का तस्वीर पीछे है ना, भगवान के आंख जैसे हमारे आंख ऐसे ही नहीं, भगवान के हाथ जैसे हमारे हाथ ऐसे ही नहीं, भगवान के प्यार जैसे हमारे प्यार ऐसे ही नहीं, ना देखने में बंदर जैसे हम हैं। आप बताओ बंदर जैसे हम हैं क्या, ना भगवान राम कृष्ण जैसे हैं। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले बोल करके यार, ये सरकार उसको जोर जबरदस्त किया था, तुम ये प्रूव करो लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, जे तुम बंदर से हो इंसान आए, वो बनने से पहले बोल कर गया। लेकिन ये थ्योरी अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता है, भारत में पढ़ाया जाता है, वो अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता है, ये बंदर से हम हो गए। इसलिए भैया हम कोई बंदर से नहीं हुए है, हम श्री मनु महाराज से हुए है, इसलिए मैंने मनुस्मृति ग्रंथ लिखे है। इसलिए हमारे भारत में देखना सबका गोत्र है, गोत्र है कि नहीं सभी की, क्या क्या गोत्र तुम लोगों को बताओ तो क्या क्या गोत्र है, इसकी वशिष्ठ, इसकी पराशर, इसकी ऐसे ऐसे गोत्र है ना। ये गोत्र कहाँ से आया, जिस ऋषि से हम आए हैं और ऋषि हमारे गोत्र हैं, इसलिए पूजा करते समय गोत्र को पूछते कि नहीं गोत्र आपका क्या है। इसलिए भैया हम सबसे सब भगवान से आए, हम कोई बंदर से नहीं आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो कल है ठाकुर जी, कल जन्म लेने वाले हैं। जब मैया जशोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रजवासी थे वो सबके सब 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी और बड़े सुंदर अलंकार को सजा करके रखे, नंद के लाला होगा तो हम सबके सब उसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, जितने आप गोपियां आई ना, सब 84 गज के लहंगा निकालना, शादी के समय का जितने है सब अलमारी में रखे हुए ना, सब खराब हो रहा है, सब निकालना। ठाकुर जी जन्म हो रहे ना ठाकुर जी, कल बड़े सुंदर सज करके, और गोपियां जिस भाव से आई थी, गोपियों ने जिस भगवान भाव ग्रहे है, आप लोग बड़े सुंदर कपड़े पहन करके आना, कोशिश करना अगर पीले रंग का हो तो बहुत बढ़िया है, कोशिश करना पीले रंग का, नहीं तो किसी भी कलर के लाना, लेकिन बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, ठीक है ना, फटे फटे कपड़ा पहन करके नहीं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने सज करके, कल भगवान की जन्म उत्सव होगा। बोले श्री नंद के लाला की जय, आज जोर से बोलो, बोले नंद के लाला की जय। और अपना घर से जैसे लुटाते हैं ना, जैसे टपरी है, बिस्कुट है और खिलौना है, क्योंकि ये कथा आप सभी का कथा है, आप लोग सब मिलकर कर रहे हो, हैं ठाकुर तो सभी के हैं ठाकुर जी, आप बच्चे का बर्थडे हो ना, हम कितने क्या करते हैं, और असली बच्चा तो हमारे ठाकुर है, इनको एक बार बच्चे रूप में प्राप्त करोगे ना, ये कभी छोड़ने वाले नहीं तुम्हें, हैं। इसलिए कल हमारे भाई लोग क्या पहन करके आओगे, उसी दिन देखा है ना नगर संकीर्तन का दिन, सब पीले पीले रंग के सब पहन करके आए थे ना, कल आप लोग भी सब कुर्ता पीले पीले रंग के, अगर धोती हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन धोती नहीं हो कम से कम सफेद रंग के ट्राउजर और कुर्ता पहन कर सब आना, कल बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अभी हमारे प्रभु जी आपको कैसे श्री उत्थान पाद के कैसे कथा, कैसे ध्रुव महाराज हुए, अभी हमारे गौर सुंदर प्रभु जी आपको श्री ध्रुव जी का कथा सुनाएंगे, इसके बाद में आरती, फिर प्रसाद लेकर सबके सब जाएंगे, ठीक है आप लोग। अज्ञान निरंधस्य
ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमारत्तम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। जब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर्म आरम्भ किया उस समय पर उन्होंने अपने श्रीअंग से मनु और शत्रुपा इन दोनों की सृष्टि करी और हम लोग मनु महाराज से आए हैं इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। अब विशेष करके मनु महाराज की 5 संतान हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या हुई देवहूति आकुति और प्रसूति और 2 पुत्र हुए उत्थानपाद और प्रियव्रत। ये राजा उत्थानपाद जो है इनकी कथा विशेष करके भागवतम के तृतीय स्कंध में आती है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि और सुनीति का क्या अर्थ है? कहते हैं स्वस्य रुचि इति सुरुचि, जो अपने मनमाने ढंग से चले, शास्त्र में क्या विधि निषेध का वर्णन है उसे ना मानते हुए केवल मात्र अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य करते हैं वो है सुरुचि। और राजा को वो अत्यंत प्रिय भी थी। लेकिन दूसरी रानी जिसका नाम था सुनीति, सुनीति क्या है? कहते हैं सुनीति अर्थात सुंदर नीति, जो जगत में प्रायः करके आप देखेंगे अलग अलग नीतियों का प्रचलन है। कहीं पर कोई लोग कूटनीति से कार्य करते हैं, कहीं पर चाणक्य नीति से कार्य करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नीति बतलाया विदुर जी की। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा महाभारत के अंदर विदुर जी जब गए हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि तुम अपने पुत्र का पक्ष लेकर और अत्यंत घोर तुम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हो, इसीलिए पुत्र लोक में पुत्र मोह में अंधे ना होकर और सत्य का साथ दो, भगवान कृष्ण का साथ दो। पांडव केवल मात्र 5 गांव की मांग कर रहे हैं, तुम उन्हें 5 गांव दे दो और इस युद्ध से बच जाओ। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। दुर्योधन जब ये सारी बात छिप छिप कर सुन रहा था, ये बात सुन के अत्यंत क्रोधित भी हुआ आकर और वहीं पर उपस्थित होकर अपने चाचा से बड़े ही बेढंग से चिल्लाते हुए उन पे शासन करने लगा कि आज अगर तुम हमारे चाचा नहीं होते तो तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा। लेकिन विदुर जी ने तब पर भी वही सत्य का साथ दिया। विदुर जी की नीति इतनी सर्वश्रेष्ठ है, अंतिम में जाकर क्या हुआ, वे ठाकुर साक्षात घर में आए। सुन रहे थे ना हम, दुर्योधन के मेवा के आगे साग विदुर घर खाई। अरे भगवान प्रेम के इतने वशीभूत हो गए कि विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाने लग गए। किस लिए? क्योंकि विदुर ने उस सत्य का साथ दिया। इसीलिए सुनीति अर्थात सुंदर नीति जो शास्त्र नीति है। इन दोनों के पुत्र कौन कौन हुए? कहते हैं सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या है? शाश्वत अचल, जो सब समय विराजमान हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि सुरुचि का पुत्र उत्तम कैसे हो गया? सुरुचि अर्थात मनमाने ढंग से चलने वाली, तो उसका उत्तम फल कैसे प्राप्त हो सकता है? तब टीकाकार कहते हैं कि अंतिम परिणाम जो है उसका विचार करना पड़ेगा। अंतिम में क्या हुआ? बोले ध्रुव वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, यक्षों द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ सुरुचि भी जब पुत्र खोज करते करते जंगल में गई, वो भी आग में जलकर स्वाहा। इसीलिए अगर कोई शास्त्र नीति का अवलंबन करेगा तब जाकर तो ध्रुव फल की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर कोई अपनी रुचि के अनुसार चले तो अंतिम परिणाम यही होगा। विशेष करके
उत्तानपाद का अर्थ क्या है? कहते हैं ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर। टीकाकार कहते हैं कि ये मानव समस्त ही उत्तानपाद का ही स्वरूप है। मातृगर्भ में जब हम रहते हैं हमारी भी ऐसी ही तो अवस्था है, सिर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं, अत्यंत कष्ट में। और हमारे भी दो दो पत्नियां हैं। बोले क्या क्या? वही सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अर्थात जो हमें पसंद है, जो हमारी रुचि के अनुकूल हो। लेकिन शास्त्र नीति को परित्याग करके हम भी राजा उत्तानपाद की तरह सुरुचि की ओर ही धावित होते हैं, उसी को ही पालन करते हैं। शास्त्र में वर्णित है भैया ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद की जो निद्रा है वो क्या है? वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में शयन करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। सनिद्रा वित्त हारिणी शास्त्र में वर्णन है। लेकिन जब सवेरे सवेरे 5 बजे अलार्म बजता है, कौन से उठता है अलार्म के बारे में? तुरंत उसको स्नूज पे लगाया या फिर बंद करके कंबल सिर पे देके और फिर सो जाते हैं, है ना। शास्त्र में वर्णन है अधर्म से धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी पोजीशन पर जब हम विराजमान रहते हैं जॉब्स के अंदर, अगर कोई रिश्वत देकर आए, मन में बड़ी इच्छा है उसको ग्रहण कर ले, उस समय पर हमारे ऊपर भी वही सुरुचि हावी हो जाती है। उस समय पर हम विचार नहीं करते कि शास्त्र में क्या वर्णन है, हम सुनीति को परित्याग करके और सुरुचि का अवलंबन करते हैं। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर और राज्य सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि भी पास में खड़ी खड़ी खूब हंसी ठिठोली हो रही थी वहां पर। जैसे ही ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहां पर आए हैं, 5 साल के छोटे बालक हैं, उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में जाकर बैठूंगा। पिताजी ने केवल मात्र उत्तम को ही बिठा रखा है, दूसरी गोद में मैं जाकर बैठूंगा। जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगे, सुरुचि अत्यंत ईर्ष्यान्वित होकर इतनी क्रोधित आवाज में ध्रुव को वहां पर डांटने लगी। बोले मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस कैसे हो गया कि तू सीधा जाकर पिताजी की गोद में बैठ रहा है? अरे तू राजा का पुत्र अवश्य हो सकता है, लेकिन रानी का पुत्र नहीं है। तेरी माँ सुनीति वो रानी नहीं, इसीलिए उसको परित्याग करके राजा केवल मात्र मेरे साथ रहता है। अगर तेरी इच्छा है राजा की गोद में बैठने की, जा वन की ओर जाकर तपस्या कर। तपस्या करने के बाद में पुनर्जन्म लेकर जब तू मेरी कर गोद से, मेरी गर्भ से जब जन्म लेगा, तब जाकर तेरा यह अधिकार होगा राजा की गोद में बैठने का। ध्रुव महाराज माता के, सौतेली माँ के ये कटु वचन सुन के अत्यंत दुखी हो गए। कहा पिताजी यहाँ पर सामने विराजमान है, पिताजी माँ के प्रेम से, माँ के इतने वशीभूत है कि उन्होंने कोई प्रतिकार भी नहीं किया। अरे केवल मात्र उत्तम ही उनका पुत्र है क्या? मैं भी तो उनका पुत्र हूँ। ध्रुव महाराज क्षत्रिय पुत्र, 5 साल के बालक है, लेकिन फिर भी जैसे एक चलते हुए सांप को लाठी मार दो, किस तरह से वो फंड मारकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्रुव महाराज की स्थिति। दीर्घ श्वास ले रहे हैं, आंखों से गरम गरम अश्रु बहने लगे हैं और वहां से दौड़ते दौड़ते अपनी माँ सुरुचि के महल की ओर जा रहे हैं। सुरुचि के महल की ओर जाते हुए उस समय पर अंतपुर की जो दासियां थी उन्होंने पहले ही सुरुचि को सुनीति को सब संवाद दे दिया था। ध्रुव महाराज जैसे ही माँ के पास में आए, माँ अभी क्रंदन करते करते अत्यंत दुखी हो गई थी। एक बड़ी प्रफुल्लित लता, पुष्प पल्लव से सुशोभित लता को यदि अग्नि में दे दो, किस तरह से वो जुलूस जाएगी, ठीक उसी प्रकार आज सुनीति की अवस्था हो गई। अपने पुत्र को आलिंगन करते हुए मानो मन ही मन कह रही है कि अरे पुत्र तू रोता क्यों है, अरे किसी और की गोद में बैठने की आवश्यकता ही क्या, अरे मेरी माँ तो अभी जीवित है। माँ ने उस समय पर ध्रुव महाराज को आलिंगन करके बड़ा सुंदर उपदेश देने लगी है। हमारे जैसी आजकल की अगर माताएं होती तो क्या करती, बोले चल मेरे नाल, मैं लिख दिया। हाँ, बच्चे की गलती नहीं देखेगी, बच्चे ने क्या गलती करी उसे ना देखकर केवल मात्र चली जाएगी लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनका नाम ही सुनीति है, नाम ही सुनीति है। वो किसी पर दोषारोपण ना करके और अपने पुत्र को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दे रही है। बोले देखो पुत्र, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो तुम्हारे ऊपर शासन किया है उसके अंदर उन्होंने तुमसे बड़े अच्छी बात कही, और विशेष करके दो अच्छी बात, दो बातें कही, एक अच्छी और एक बुरी। बोले क्या? बोले माँ ने तुम्हें भगवान का भजन करने का उपदेश दिया है ना, भगवान का भजन करके ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अरे वो पिता भी अत्यंत तुच्छ है और वो माता भी अत्यंत तुच्छ है, उसके गर्भ से जन्म क्यों लेना और ऐसे पिता की गोद में भी क्यों बैठना, ऐसे राज्य सिंहासन का आखिर लाभ क्या जो कि नश्वर हो। कुछ समय बाद में वो पिता भी नहीं रहेगा, उस पिता की गोद भी नहीं रहेगी और ये राज्य भी नहीं रहेगा।
इसलिए तुम क्या करो, परमपिता भगवान विष्णु की गोद में बैठने की चेष्टा करो। वो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतने दीन वत्सल वो मेरे भगवान हैं, अगर उनकी गोद में एक बार बैठ जाओगे, कोटि कोटि माताओं का वात्सल्य एकत्रित होकर भी भगवान के वात्सल्य के सामने कुछ भी नहीं। इतने दयालु भगवान हैं, इतने भक्त वत्सल भगवान हैं। पुरुष भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनीति माता कहती है कि तुम्हारी सोतनी माँ ने जो तुम्हें भगवत भजन करने का उपदेश दिया, उसे पालन करो। लेकिन एक बात बुरी भी कही, बोले क्या, अगर तुम भगवान का भजन करोगे, भगवान का भजन करने के बाद में तो तुम्हें परम पद वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और उस पद को प्राप्त करने के बाद में क्या तुम्हें पुनः सुनीति की सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा? कथा भी नहीं। क्या सुरुचि ये कहना चाह रही है कि भगवान की गोद से भी सर्वश्रेष्ठ पद उसका गर्भ हो गया? ये तो कहीं भी तर्क संगत नहीं है। इसीलिए इस बात को परित्याग करके, जैसे एक कांटे के वृक्ष के ऊपर पुष्प खिला हुआ हो, मधुमक्खी उस पुष्प से भी शहद संग्रह कर लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी सारग्राही बनो। अपने जीवन में जो भी दुख आते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुञ्जान एवात्म कृतम विपाकम ऋद्वाग वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाव। हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं, उसके लिए किसी और को दोषारोपण मत दो भैया। पूर्व जन्म में जो काम करके आए हो, उसके फलस्वरूप इस जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। पूर्व जन्म में यदि पुण्य कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा, पूर्व जन्म में यदि पाप कर्म किए होंगे तो दुख मिलेगा। और एक विशेष बात यहाँ पर टीकाकार समझाते, देखो आप लोग भी ध्यान से समझिए। अगर हमें सुख प्राप्त होता है तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, पुण्य कम होते हैं। अगर हमें दुख पाप प्राप्त होता है तो हमारे पाप क्षय होते हैं। आप बताओ, पाप क्षय करना चाहते हो या पुण्य क्षय करना चाहते हो? कहते हैं पाप को ही कम करना चाहते हैं। कहते हैं पाप कम होगा कैसे, बोले दुख कष्ट भोग करके। ब्रह्मा जी कहते हैं जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाव। भगवान जो भी जिस भी अवस्था में तुम्हें रख रहे हो, उस अवस्था में रह के सुख में या दुख में भगवान का भजन नहीं छोड़ना। भगवान का भजन यदि करते रहोगे तो भगवान निश्चित रूप में अपने गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करवा देंगे। पुरुष भक्त वत्सल भगवान की जय। माता की इतनी सुंदर सुंदर उपदेश प्राप्त करके ध्रुव महाराज ने भी दृढ़ संकल्प कर लिया। क्षत्रिय बालक, आज 5 साल के बालक होकर भी आज इन्होंने क्या किया है, महल का परित्याग करके और वन की ओर चले गए। उस अतेंद्रिय भगवान का भजन करने के लिए जब वन की ओर जा रहे थे, नारद जी आकाश मार्ग से देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कहां 5 साल का क्षत्रिय बालक, कहां इसमें देखो इसके अंदर इसका तेज तो देखो, अरे इतने छोटे से बालक के अंदर सम्मान असम्मान की भावना कैसे उत्पन्न हो गई। धन्य है क्षत्रिय कुल जो आज इस 5 साल के बालक को भगवत भजन के लिए अग्रसर करवा दिया। नारद जी वहां पर वीणा बजाते बजाते उपस्थित हो गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी अभी ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए कहने लगे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं, बोले क्यों? बोले मेरी सौतेली माँ ने इस तरह से मुझे कटु वचन कहे हैं, और इसीलिए मैं अपनी माँ को राजमाता बनाऊंगा, पिताजी से भी सर्वश्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति करूंगा, और वो भगवान की से ही एकमात्र प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं उनका भजन करने जा रहा हूँ। नारद जी कहने लगे कि अरे तो 5 साल नारद है, मैंने तो सुना यदि कोई भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर हो तो नारद जी तो उन्हें भगवत भजन का उपदेश देते हैं, मंत्र इत्यादि देकर और भगवान का भजन करने की पद्धति बतलाते हैं, लेकिन आप तो एकदम विपरीत बातें कर रहे हैं। देखिए नारद जी, मैं घर से दृढ़ सक और मधुवन में भजन करो। ध्रुव जी को भजन करने के लिए विशेष करके 2 अनुकूल वस्तुएं प्राप्त हुई, बोले क्या क्या, और दूसरा श्री यमुना जी। ये दोनों ही स्थान साधारण नहीं। अरे मधुवन के लिए कहते हैं भगवान यत्र सन्निधम नित्यता, भगवान हरि नित्य सब समय ही उस मथुरा धाम में विराजमान है।
श्री रूप गोस्वामी पाद हमारे एक संत हुए हैं, कहते हैं यदि यह मधुरा, ये मधुर मधुर बड़ा ही अत्यंत मधुर धाम है ठाकुर जी का, सप्तपुरियों में से एक सर्वश्रेष्ठ धाम है श्री मथुरा धाम। इसीलिए मथुरा के मधुवन में ध्रुव जी को तपस्या करने के लिए स्थान प्रदान किया। और यमुना जी भी साधारण नहीं, ब्रह्मदग्ध गात्री, कहते हैं ठाकुर ही साक्षात उनके आंखों से जब अश्रु प्रवाहित हुए तो वो अश्रु ही साक्षात यमुना जी के रूप में परिणत हो गए हैं। इसलिए दोनों स्थान भजन के इतने अनुकूल थे। हमने भी देखो ये बात देखी है, यदि किसी को भजन करना हो ना, स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ भागवत कथा में आए हैं, यहाँ पर यदि बैठकर एक माला करेंगे बड़े ही अनायास रूप में, बड़े ही आसानी से हो जाएगी। लेकिन यदि किसी को कहेगी एक डिस्क के अंदर जाकर, किसी क्लब के अंदर जाकर वहां पर माला करो, भगवान का भजन करो, ध्यान करो, क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं। लोग हम जब वृंदावन में रहते हैं, दिल्ली से भक्त लोग आते हैं वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने, वृंदावन में घुसते ही गाल पर, सिर पर राधे राधे के छापे लगवा लेंगे और माथे पर बांध के लाल कपड़ा और राधे 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 करते घूमने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वृंदावन से कोसी पार हुआ, तीन दिन में एक बार ग्रहण करते थे, चिंतन करते थे सब समय। नारद जी ने जो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ध्यान जप करते करते, और भगवान वो पद्म पलाश लोचन जिनके कमल के समान नयन है, सुंदर उनका श्रृंगार है, गले में माला है, किरीट कुंडल त्याग कर दिए। 9 दिन में एक बार केवल मात्र जल ग्रहण करते थे, 4 महीने में 12 दिन में एक बार केवल मात्र वायु भक्षण करते थे, आते आते वायु भक्षण भी बंद कर दिया। और जैसे ही 6 मास हुआ है, वहां पर तो अत्यंत पूरे विश्व ब्रह्मांड की श्वास को उन्होंने अवरुद्ध करके और एक पैर पर दंडायमान होकर उनके भजन का इतना प्रभाव था, शरीर से ऐसी दिव्य ज्योति निकल रही है जिस प्रकार एक नाव के अंदर हाथी हो, वो हाथी एक पैर से दूसरे त्राहि माम मधुसूदन जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप जाकर अपने भक्त को दर्शन दीजिए, नहीं तो हमारे लिए भी यहाँ पर रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भगवान भी बड़ा सुंदर रूप में श्रृंगार करने लगे हैं, सुंदर श्रृंगार करते कर रहे थे जब लक्ष्मी प्रश्न करने लगी कि आज इतना मंथन के कहाँ जा रहे हैं नाग, आज इतना श्रृंगार किसके लिए? बोले मैं ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे लिए 6 मास से वो अपेक्षा कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज जाकर उस ऐसे भक्त के मैं दर्शन करूंगा। अभी ध्रुव जी जब एक पैर पर खड़े होकर उन भगवान का चिंतन कर रहे थे, एक क्षण के लिए जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उनके हृदय में अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया और उस दर्शन को अदृश्य कर भक्तवत्सल भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी तो अत्यंत विचलित होकर मन छटपटा रहा है और छटपटाते हुए उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले हैं, सामने देखा अतेंद्रिय पद्म पलाश लोचन भगवान चतुर्भुज रूप धारण करकर विराजमान है। श्री भक्तवत्सल भगवान की, बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। पीतांबर धारण करे हुए हैं, कंठ वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, गले में माला है और सुंदर मुकुट कुंडल किरीट इत्यादि सुशोभित, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जब भगवान सामने खड़े हुए थे, ध्रुव जी की तो आंखें ही नहीं हट रही उनसे, उनके सुंदर स्वरूप का इन आंखों द्वारा आहरण करते जा रहे हैं, पान करते जा रहे हैं। और मन में इच्छा हुई कि भगवान सामने विराजमान है, अरे मैं इनकी कुछ स्तुति तो करूं, लेकिन अब तक स्कूल तो गए नहीं, शास्त्र ज्ञान संस्कृत का ज्ञान भी नहीं, भगवान की स्तुति करें तो करें क्या? इसलिए दयामय भगवान ने क्या किया, अपने शंख को लेकर और ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करवा दिया है। जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करवाया, समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हो गया। द्वादश अक्षर मंत्र से ही उन्होंने उपासना करी थी और इन्हीं द्वादश श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुति भी करी है। श्री श्रीधर गोस्वामी बात कहते हैं कि ये द्वादश श्लोक नहीं, ये तो द्वादश आदित्य साक्षात है। यो अद्य प्रविश्य मम वाचमी माम प्रसुप्तां संजीवति अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्त चरण श्रवण त्वदादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ध्रुव जी तो 5 साल के बालक हैं, लेकिन उनके हृदय में अब भक्ति आ गई है, इसीलिए भक्त जो कुछ भी कहें वो ही स्तुति हो जाता है।
श्रीमद् महाप्रभु की लीला में एक श्रीधर वो खोला केले का जो तना होता है, केले के पेड़ का तना, वो भी बंगाल में खाया जाता है, तो उस केले के पेड़ का तना को बेचते थे। लेकिन महाप्रभु जब उनके खुन से आकर और लेते थे, उस समय पर उनसे छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करते थे, पैसों के मूल्य को लेकर और झगड़ा करते थे। और श्रीधर यद्यपि कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके वचनों को श्रवण करने के लिए महाप्रभु प्रत्येक दिन उनके पास में आते थे। इतने भक्त वत्सल है भगवान, इसलिए भक्त जो कुछ भी कहे वो ही स्तुति हो जाता है। ध्रुव जी कह रहे हैं, यो अंत्य प्रविश्य मम वाचनी माम प्रसुप्तम। हे प्रभु, मैं अब तक तो गूंगा था, मेरी वाणी कुछ भी बोलने लायक नहीं थी, लेकिन आपका दर्शन करके, आपका स्पर्श प्राप्त करके, आपके दिव्य शंख ज्ञान स्वरूप वेदमय शंख का स्पर्श प्राप्त करके, संजीवती अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, मेरे तो समस्त इंद्रियों को मानो संजीवनी मिल गई है। संजीवनी से क्या होता है, मृत इंद्रियां भी पुनः चेतनता को प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार मेरी वाणी आज आपका गुणगान कर रही है। मैं कानों से आपके कथा को श्रवण करना चाहता हूँ, मैं इन आंखों से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भगवान ही तो एकमात्र इन इंद्रियों में शक्ति देते हैं, तब जाकर ये अपने अपने कार्य करती है। कितने व्यक्तियों को आपने देखा होगा, आंखें हैं लेकिन नहीं पाते, कान है लेकिन सुन नहीं पाते, मुख में जिह्वा भी है लेकिन बोल नहीं पाते, क्यों? इंद्रियां तो विराजमान है, लेकिन उन इंद्रियों में जो शक्ति है वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति भगवान ने हरण कर ली, इसीलिए उन इंद्रियों द्वारा काम नहीं हो रहा। ध्रुव जी कहते हैं कि तब से स्थितो हम त्वं प्राप्त वंदेव मुनीन्द्र गुह्यं काचं दिव्य रत्नम् स्वामीन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। प्रभु, अगर कोई कांच का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते अगर इसको दिव्य मणि की प्राप्ति हो जाए तो और उसके हृदय में कोई इच्छा रहेगी? साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया, भगवान के भक्त, भगवान के दर्शन की इतनी महिमा है। देखो, हृदय में जितने सारी कामनाएं, जितने सारे दोष होते हैं, वो समस्त दूरीभूत हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद में ध्रुव जी को उस राज्य की इच्छा नहीं रही, उस राज्य की परिपूर्ण इच्छा पूर्ण रूप में समाप्त हो गई। कहते हैं त्वं प्राप्तवन् देव मुनिन्द्र गुह्यम्। प्रभु, आपका दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आज मुझे आपका वही दर्शन प्राप्त हो गया है। कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। अरे ये नांजसो लगन उर्वसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथा मृतपानमत्तम। ये दे दो। बोले क्या? भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो। प्रभु, मुझे आपके भक्तों का संग दे दो। अरे आश्चर्य की बात है, मैं साक्षात सामने खड़ा हूँ और तू मेरे भक्तों का संग मांग रहा है, कैसी विडंबना है? बोले हाँ प्रभु, आपके भक्तों का संग ही मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके भक्त करते क्या है, निरंतर आपकी कथा, निरंतर आपका कीर्तन, निरंतर आपका स्मरण। आपके ऐसे दिव्य भक्तों का यदि मुझे संग प्राप्त हो जाए, तब तो मैं अनायास ही सागर को पार कर लूंगा। अरे संसार के लोग तो अतिश्रुक्ति करते हुए कहते हैं भव सागर, कहाँ एक छोटी सी तलैया। अरे मेरे गुरुपाद पद्म मुझे यदि आदेश करे तो एक छलांग में मैं तो इस भव सागर को अनायास पार कर लूंगा। आपके भक्तों का संग यदि मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसाम, ना हम तक्षामि ते नरम। जो लोग निरंतर मेरी कथा सुनते हैं, जो लोग निरंतर मेरी कथा बोलते हैं, जो सब समय मेरे स्मरण करते हैं, ना हम तक्षामि तम नरम, मैं ऐसे व्यक्ति को कभी परित्याग नहीं करता। आज हम यहाँ बैठकर जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप में भगवान बांके बिहारी यहीं पर विराजमान है। इतने दयामय भगवान है, उनकी कथा सबसे ज्यादा भगवान को ही प्रिय है। बोलो श्री भक्त की। ध्रुव जी को भगवान जब इतनी सुंदर सुंदर स्तुति सुन रहे थे, भगवान ने कहा कि देखो मैं सब जानता हूँ, तुम जिस राज्य की प्राप्ति की इच्छा से आए थे, मैं तुम्हें वो राज्य भी प्रदान करूंगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, शासन प्रदान कर देंगे। और यहाँ भी नहीं, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात मैं तुम्हें एक ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। आज भी आप लोग देखे होंगे आसमान में जो ध्रुव तारा है, वो भगवान द्वारा प्रदत्त वही ध्रुव लोक है। 6 महीने की तपस्या मात्र से ही भगवान ने ऐसा परम पद प्राप्त किया जो ध्रुव जी के पिताजी, उनके पूर्वज किसी ने भी नहीं मिला था। ब्रह्मा जी के लिए भी जो पद दुर्लभ है, वो पद आज ध्रुव जी को प्राप्त हुआ।
पापा ने आशीर्वाद देकर जब ध्रुव जी को पुनः लौटाया है, ध्रुव जी मन में अत्यंत दुखी हो रहे थे। अरे कहां भगवान ने मुझे ये संसारिक चीजें देकर और ठग लिया। अपना दिव्य प्रेम यदि प्रदान करते तो तब जाकर मेरे तपस्या की सार्थकता होती, लेकिन अत्यंत ग्लानी के साथ में दुखी होकर उन्होंने वो दिव्य 36,000 सालों तक उस राज ऐश्वर्य का भोग किया। जब अंत में मृत्यु उपस्थित हुई है, ध्रुव जी अपना साधन भजन कर रहे थे, बड़ी एक भयानक रूप धारण करके मृत्यु साक्षात सामने उपस्थित है और मृत्यु के भयानक स्वरूप को देखकर ध्रुव जी प्रश्न करने लगे कि तुम कौन हो। बोले मैं मृत्यु हूं। जब तक एक मानव मेरा अवलंबन ना करे, जब तक मेरा सहारा ना ले, तब तक ये पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और भगवत धाम को नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपकी अपेक्षा कर रही हूँ। आपका भी समय संपूर्ण हो गया है, आप मुझे स्वीकार करके और क्या कीजिए। बोले भगवत धाम को जाइए। साक्षात वहां पर वैकुंठ से रथ विराजमान हो गया और विष्णु दूत उसके अंदर खड़े हुए थे, ध्रुव जी को लेने के लिए उपस्थित है, लेकिन जो रथ था वो इस पृथ्वी लोक को स्पर्श नहीं करता। पृथ्वी लोक को कोई भी दिव्य वस्तु स्पर्श नहीं करती, इससे ऊपर ही थी। ध्रुव जी ने साक्षात अब मृत्यु को आदेश दिया है, बोले आओ। ध्रुव जी मृत्यु के सर के ूपर पैर रखकर और उस रथ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं और अभी जाएंगे भगवान के धाम में। लेकिन उसी समय में स्मरण आ गया कि भैया मेरी माँ कहाँ है। अरे मेरी माँ ने ही तो मुझे भगवान का भजन करने का उपदेश दिया था, उनके उपदेश को प्राप्त करके आज मैं जब मैंने भजन किया तो आज मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो रही है। विष्णु दूतों से कहने लगे तनिक रुक जाओ, मैं अपनी माँ को भी लेकर आता हूँ। विष्णु दूत अत्यंत आनंदित होकर कह रहे हैं कि बोले तेरे जैसा बच्चा जिस माँ ने अपने गर्भ में धारण किया हो, तेरे जैसा दिव्य महापुरुष जिस माँ की गर्भ से जन्म लिया हो, अरे उसका क्या और वैकुंठ जाना बाकी रह गया। देख तेरे से पहले तेरी माँ उस ऊपर रथ में, तेरे से पहले भगवत धाम को जा रही है। इतनी महिमा भगवान के भजन करने की, इतनी महिमा अपने पुत्र को पुत्री को भगवान के भजन में नियुक्त करने की। यदि माताएं अपने संतान को भगवान के भजन में नियुक्त कर दिया तो उनका जीवन सार्थक है, वरना आप लोगों ने सुमित्रा की बात सुनी होगी। लक्ष्मण जी जब राम और सीता जी जब वन की ओर जाएंगे, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। बड़ा सुंदर शिक्षा हमारे लिए देखो यहाँ पर सुमित्रा जी देती है। पुत्रवती युवती जग सोई। अरे उन्हीं माताओं का गर्भ धारण करना सार्थक है। किसका? बोले रघुपति भक्ति जासु सुत होई। जिसके संतान ने रघुपति भगवान राम की भगवान कृष्ण की भक्ति कर ली, उन्हीं माताओं को गर्भ धारण नहीं तो क्यों 9 मास तक इतना कष्ट करके संतान को अपने गर्भ में रखोगे, प्रसव पीड़ा सहन करके उसे जन्म दोगे। छोटा बालक जब होता है तब अपनी रातों की नींद हराम करके और उसका लालन पालन करोगे और अंततः जब वो भगवान का भजन नहीं कर रहा तो तुम ही नर्क जाओगे। शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, लड़की आता है। एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया था और रत्न सिंहासन में बैठा हुआ अप्सरिया उनको सेवा कर रही थी, लेकिन वहां बैठी बैठी रो रहा था, बेहोश हो रहा था। तब वो योगी ऋषि ने पूछा तुम इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए, पर ये स्वर्ग में तो रो रहे क्यों, बेहोश क्यों हो रहे हो। बोले मैंने बहुत पैसा कमाए, बहुत दान पुण्य किया, इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से भी गलती हो गई, मैंने बच्चों को सदमार्ग नहीं दिखाया। जिन बच्चों को मैंने जन्म दे कर जन्म दिया था, पैसा रख करके आया, उसी पैसा से बच्चे शराब पी रहे, उससे माँ से खा रहे, उससे जुआ खेल रहे, चूंकि मैंने ही उनको जन्म दिया पैसा उसको दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उसका फल मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए अगर हम बच्चों को जन्म दे दिया, ये सबसे बड़ी वाली बात नहीं है जन्म दे देना, उसको हमने कैसे बनाया, इंसान बनाया, उसको ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए अगर बच्चे को अगर भगवान की भजन में लगा दिया तो कभी 21 पीढ़ी उदार हो जाती है, पिता माता धन्य हो जाती है, पूर्वज लोग नाच उठते हैं। इसलिए क्या करो माताओं भाइयों, देखो जो प्रभु जी कथा सुना रहे हैं, इनकी इच्छा है आप लोगों का अभी तक जैसे आप लोग सब पुराने लोग, सबके ऊपर में संस्कार है, लेकिन अभी का जो नए बच्चे हैं देखना कथा में नहीं आता, हरिनाम नहीं करते, भगवान की भक्ति में उनको रुचि नहीं, क्यों? जितने विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उनकी रहन सहन खान पान में उनको रुचि उसी तरह में है,
तो कारण क्या है कि उसको ऊपर हम कोई संस्कार नहीं दे रहे हमें, और वो चाहता है बच्चों, आपका बच्चों को ये संस्कार मिले और आपके संस्कार देकर के उनको भजन में लगाना चाहते हैं। अभी ये उसी विषय पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। हरे कृष्णा, को अपनाना बहुत ही सहज हो जाता है, लेकिन आज के समय पर साधारण जो हमें शिक्षा प्रदान करी जा रही है उस शिक्षा के अंदर कुछ भी भगवान से संबंधित या हमारे आध्यात्म से संबंधित नहीं सिखाया जाता। हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, CBSE हो, ICSE या जो भी हो, उसके अंदर शास्त्रों की हमें किस तरह से पैसा कमाना है ये चीज तो पता उसके योग्य बना देंगे। आज के समय में तो उस तरह की योग्यता भी नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन जो भी हो खैर किस तरह से पैसा कमाना है उस चीज की नॉलेज तो दे देंगे, लेकिन किस तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ होनी चाहिए, किस तरह से आध्यात्म के साथ जोड़ के और वो परम शांति की प्राप्ति करनी है। मानव जीवन का केवल मात्र लक्ष्य पैसा कमाना ही नहीं है। पैसा कमा लिया, दो चार बच्चों का जन्म दे दिया, शादी हो गई, बूढ़े होकर मर गए, अरे यही काम तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर हमें और जानवरों में फर्क ही क्या रहा। तो इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बड़े पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए उनको हमारे शास्त्रों पर विश्वास नहीं रह गया। और उसका मूल कारण एक ये भी है कि ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता, शास्त्र कोई नहीं पढ़ता। आजकल यूट्यूब में जो देख लिया वही चीज ग्रहण कर लेते हैं, टीवी सीरियल्स में जो दिखा दिया। पहले के समय में रामायण आई थी, उनके अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो रियलिटी से मिलता जुलता दिखाया था, लेकिन आज के समय पे जो रामायण और महाभारत दिखाते हैं कहते हैं पूरा मैंने मेन ग्रंथ से ही स्टोरी ही चेंज कर दी, बोले पुरानी रामायण की, हम लोग कुछ जो है नया चीज लेकर आएंगे। इसीलिए और आजकल के बच्चे वही चीज देखते हैं यूट्यूब को। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो शास्त्र विधान में जो सारे बताए हैं हर एक के पीछे एक लॉजिक एसोसिएटेड है, हर एक क्रिया के पीछे, हर एक रिचुअल जो हम करते हैं, हर एक क्या बोलते हैं रिचुअल को, तो जो परंपरा जो एक लॉजिक रिलेटेड है, एक उसके साथ में साइंटिफिक रीजन है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग तुलसी में जल देते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी को आंगन में रोपण करते हैं, है ना। साधारणतः शास्त्रों में बताया है कि तुलसी की सेवा करने से क्या होगा, बोले भक्ति प्राप्ति होगी। तुलसी की 8 तरीके से सेवा होती है, उसको आप एक औषधि मिलती है जिसका नाम है तुलसी पावर, खरीद के देखना उसका जो साथ में ब्रोशर देते हैं देखना, उसके अंदर 200 बीमारी का प्रतिषेध ये तुलसी अर्क से, इतने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स तुलसी के। तुलसी ही एकमात्र ऐसा, तुलसी और कुछ ऐसे भारतीय संस्कृति में जिन पेड़ों की पूजा होती है जैसे पीपल हुआ, वटवृक्ष हुआ, ये ही कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि रात के समय पे भी ऑक्सीजन देते हैं। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़ा होगा, जानते होंगे दिन के समय पर पौधों से ऑक्सीजन निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात के समय पर पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। पहले के लोग बोलते थे ना, बोले रात में पेड़ों के नीचे मत सोना, बोले क्यों, बोले भूत लग जाएगा। लेकिन मुख्य कारण क्या है, बोले रात के समय पर पेड़ भी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ के नीचे सोओगे, सांस कष्ट होगा, असुविधा होगी सोने में, तो इसीलिए क्या कहते हैं, बोले भूत लग जाएगा। लेकिन कुल मिला के हमारे ऋषि मुनि, हमारे माता लोगों को इतना ज्ञान भले ही ना हो, भूत के बहाने ही लेकिन सद शिक्षा तो देती थी। तो हर एक रिचुअल, हर एक चीज जो फॉलो करते हैं उसके पीछे एक रीजन एसोसिएटेड है, लेकिन यही बात है कि कोई उन्हें बतलाने वाला होना चाहिए, है ना। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको ठीक एजुकेशन मिले। अगर वो लोग साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं तो उस तरीके से भी समझा के, लेकिन हमारी संस्कृति से जैसे जुड़े रहे। भगवान का भजन करना, उनका नाम लेना, ये कोई केवल मात्र एक धारणा मात्र नहीं है, काल्पनिक चीज है, इसको समझकर एक भावना मान लेकर और उसको करने लग जाना, बोले नहीं। जो लोग ये बिजली जो बनती है, लोगों ने आप लोगों ने डैम देखा है ना, जब पानी स्टोर होता है और फिर उस पानी से बहुत ही जोर प्रभाव करके और टरबाइन जब घूमता है बहुत जोरों से, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। आप देखो एक साधारण मोटर टरबाइन के घूमने से एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उस चार्ज पर कलेक्ट करके अथॉरिटी है, हमारे गुरुदेव हुए, वैष्णव लोग हुए, उनसे ठीक नॉलेज सुनना है। नॉलेज का जो सोर्स है एक तो उसको ठीक करना है, और जिस तरह से बच्चे समझना चाहते हैं अगर उनको उनके तरीके से समझाएं तब जाकर क्या होगा, वो भी इस चीज को पालन करने लगेंगे, है ना। तो अगर होगा
जप करके आरती भर प्रसाद लिख दिया। हरे कृष्णा, एक सूचना है, आप सब लोग अपने स्कूटर जो है वो अंदर लगा दिया करो, इसके पार्क है ना, जो पार्क के अंदर लगा सकते हैं, अभी मंदिर वालों ने बोला है, क्योंकि बाहर बहुत जाम हो जाता है, स्कूटर खड़े रहते हैं, अंदर भी मंदिर के सामने ही स्कूटर खड़े, अच्छे नहीं है, महाराज जी कथा कर रहे हैं सामने स्कूटर लगे हुए, सब स्कूटरों को अंदर पार्क में लगा दीजिए, और जिस किसी की भी कोई गाड़ी है, गाड़ी के लिए आगे फ्री पार्किंग है, थोड़ा सा आगे जाके मंदिर के फ्री पार्किंग है यहाँ पे आगे, तो वहाँ पार्किंग में बढ़िया आराम से गाड़ी खड़ी रहेगी, उसको कोई ठोकर भी नहीं मार सकता, नहीं तो गाड़ी कोई लगा के भी जा सकता है आपकी गाड़ी पे, दूसरी गाड़ी टच हो सकती है, तो इतना ध्यान रखिए कि यहाँ की बाहर की व्यवस्था ना खराब हो, इसलिए अपने स्कूटर जो है वो अंदर ही लगा दो पार्क के अंदर, और गाड़ियां आगे जाके पार्किंग में लगा दिया करो। एक और सूचना है बहुत विशेष, वो ये कि 18 तारीख तक पहले हमारा कथा का प्रोग्राम था, 17 तारीख को शाम को कथा होनी थी, 18 तारीख को भंडारा था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, वो ये है कि अभी 17 तारीख को शाम को कथा नहीं होगी, सुबह ही कथा होगी 17 को 9 से 12 तक कथा होगी, साथ के साथ हवन की तैयारी हो जाएगी, 12 बजे से 1 बजे तक हवन होगा, सब लोग हवन में आहुति देना, उसके बाद 1 बजे भंडारा हो जाएगा, तो 17 तारीख को दोपहर को ही सारा कार्यक्रम जो है समापन हो जाएगा, महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे, महाराज जी को 17 को रात को जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये कार्यक्रम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो लोग कोई ऐसे हैं आपको जानते नहीं आए उनको भी आप बता देना, हम रोज अनाउंसमेंट करेंगे कि 17 को शाम को कथा नहीं होगी, लेकिन 18 को शाम को कथा होगी, 18 को शाम को कथा कैसे होगी, क्योंकि महाराज जी तो चलेंगे, लेकिन हम लोग बांके बिहारी मंदिर में बैठ के गिरिराज जी की कुछ लीलाओं को आपको श्रवण कराएंगे, जिस किसी को भी आप आना सब लोग, और हम लोग यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं हर महीने 2 महीने में, और यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर में कथा होती है, आप सब लोग कथा में आया कीजिए, अपने बच्चों को लाइए, हम लोग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप सब लोग जो नए हैं या जो लोग जानते भी हैं लेकिन अपने नंबर नहीं दे रखे, जिनको पता नहीं चलता आने का, तो आप अपने नंबर जो है हर्ष प्रभु जी को या वहाँ काउंटर पे किसी को भी व्यक्ति को नोट करवा के चले जाइए, रोमी प्रभु जी बैठे अभी नहीं तो कोई भी बैठा उसको नोट करवा के चले जाओ अपना नाम और नंबर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, सतगुरु डिवोटीज का ग्रुप है तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जब भी कोई यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यहाँ सब प्रोग्राम मनाए जाते हैं, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, नरसिंह चतुर्दशी, सब सब तिथियां, जितने भी बांके बिहारी के उत्सव है वृंदावन के सारे उत्सव, होली दिवाली सब लोग यहाँ पे भक्त लोग मिलके एक साथ मनाते हैं, तो आप सब लोग उत्सव में सम्मिलित होइए, सब भक्तों के साथ उत्सव मनाने से आनंद बढ़ता है और शास्त्रों का ज्ञान भी मिलता है, अभी सब लोग जितने महाराज जी आए थे ना, महाराज जी के आने से 5 दिन पहले हम लोग आ गए थे और हमने 5 दिन तक ब्रह्ममोहन लीला का पाठ किया है, आप में से कुछ लोग आते थे ब्रह्ममोहन लीला पूर्व से सुन के देखिए, सबको विश्वास चतुर्थीपाद जी की टीका के अनुसार ब्रह्ममोहन लीला में किस प्रकार से बछड़ों और ग्वाल वालों के 3 सेट बने थे वो सब कथा याद है, तो कैसे पता चलेगी ये कथाएं जब आप कथा सुनोगे, तो हम लोग आते हैं अभी 1-7 दिन में तो पूरी भागवत कथा होगी भी नहीं कभी भी, तो ये तो एक जस्ट ट्रेलर है, पूरी कथा सुनने के लिए हम लोग बार बार आते हैं और भागवत ही कथा ही श्रवण होती है यहाँ पे, चर्चा की जाती है तो नाम लेके जाइए, बीच बीच में हम लोग आएंगे, महाराज जी भी आएंगे, प्रभु जी कभी आते हैं कृपा करके, तो हम लोग उनको कथा का लाभ मिलेगा, लेकिन तभी आपको मैसेज आएगा, हर बार हम फ्लैक्स नहीं बनवा सकते, हर बार बोर्ड नहीं लगवा सकते, हर हम एक मैसेज डाल देते हैं, सिंपली सब लोग आ जाते हैं मंदिर में, तो आप सब जिनका नंबर ऐड नहीं है अपना नंबर ऐड करवा प्रसाद लेकर जाना, सबके सब बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सबके सब हरिनाम करो, तुम जो हरिनाम करेगा उसका पाप उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसे सबके सब बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हाँ सब सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे, सब नाच कूद करके प्रसाद में लेते हैं। एक अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ट्रिप निकाला था, यहाँ से सब लोग प्रभात फेरी वाले गए थे नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी, तो ये हमारा इसलिए जिनकी इच्छा होगी बाद में फिर हम अनाउंस मिल करके कब जाने के लिए, तो आप लोग मतलब रखेंगे हम में ज्यादा गर्व गर्मी नहीं हो और ज्यादा ठंडा नहीं हो, बीच इस तरह के मौसम से जाएंगे, और जिस किसी को भी आपका नाम लिख पाना हो आप इसी ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग अलग से मैसेज नहीं डाल पाएंगे, ग्रुप में ही डालेंगे, तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मठ में ही रहना होगा सबका, चार चार दिन के प्रोग्राम में सब लोग निकाल सकते हैं समय, वैसे पूरा महीने के लिए आना या आठ दिन के लिए लगातार आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये आज एक सोचना थी, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, कौन सा रंग के वस्त्र पहन कर क्या हुए, पीले रंग, सब याद आप लोगों का, और बढ़िया बढ़िया वस्त्र और टपनी खिलौना होकर लेकर के आना, उसको हम बताएंगे, ठीक है। प्रसाद सबको यही बैठे बैठे मिल जाएगा बाद में, ठीक है। प्रभु जी श्याम प्रभु जी, तेरी मीठी लगे छाछ गुजरिया नहीं को पिवाए देरी, तलक पिवाए देरी गुजरिया नहीं को पिवाए देरी, चारे री
तेरी रीत पर जाए हो गए तेरी मीठी लागे चाच बजरिया बदले मन का ही मोह पे तू तेरे सराय देरी लगे बदले